प्रेम ने सिर हिलाया, ठीक है प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। वो पीछे मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। प्रेम ने सिद्धार्थ को आंख मारते देख लिया था, लेकिन वो उसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। ये बात दोस्तों में बहुत कॉमन होती है, इसलिए प्रेम समझ गया। रूल के हिसाब से एक कस्टमर एक ही आइटम पैक करवा सकता है। अब सिद्धार्थ और गजाधर ये दोनों दोस्त हैं। सिद्धार्थ भले ही गजाधर के लिए पैक करवा रहा था, लेकिन इस जगह प्रेम को कुछ भी बोलने का राइट नहीं था। उसे दो अलग अलग कस्टमर्स ने पैक करने का ऑर्डर दिया था, इसलिए प्रेम को उन्हें ऑर्डर डिलीवर करना होगा। जब प्रेम किचन में चला गया, सिद्धार्थ ने अपने दोस्त को देखकर स्माइल की। तुम्हारे बच्चों को भी शाही कबाब पसंद आया ना, उसने पूछा। हाँ उन्हें बहुत पसंद आए। सबसे छोटा बेटा भी ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसके दांत अभी निकलने शुरू हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा चबा नहीं सकता था। गजाधर अपने बच्चों की बात करते हुए स्माइल कर रहा था। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम मेरी तरफ से उनके लिए शाही कबाब ले जाओ और उनसे मेरा हेलो कहना। उनसे कहना कि मैं किसी दिन उन्हें अपने फार्म घुमाने ले जाऊंगा। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू, मैं उनसे कह दूंगा। मेरे बच्चे हमेशा तुम्हारे दो सफेद घोड़ों की बातें करते रहते हैं, गजाधर ने कहा। इसके बाद दोनों दोस्त ने फार्म की बातें करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ की फैमिली ने एक फार्म के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया था। सिद्धार्थ ने गजाधर से भी कहा था कि वो उसके फार्म में कुछ इन्वेस्ट करे और कुछ घोड़े खरीद ले और फार्म को थोड़ा बड़ा करवा दे। सिद्धार्थ करूर के एक फार्म के जैसे ही अपने फार्म को भी घोड़ों की रेस के लायक बड़ा करना चाहता था। उधर अमित ने जल्दी ही अपने शाही कबाब खा लिए, लेकिन वो थोड़ा अपसेट था। उसके पास प्रेम को मनाने का कोई भी तरीका नहीं था। उसने दुनिया भर के सारे तरीके ट्राई कर लिए थे, यहां तक कि रिया को अकेले में लालच तक दे दी थी, लेकिन कुछ भी अब तक अमित के फेवर में नहीं हुआ। ककाओ गांव में उसके कुछ दोस्त रहते थे, लेकिन वो उनसे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था। ये प्रॉब्लम बड़ी थी, लेकिन ये कहने में काफी एम्बैरेसिंग थी। जबकि उसके दोस्त प्यार से या हथियार से दोनों तरीकों से प्रेम को मना सकते थे। वो लोग प्रेम को चाकू भी दिखा सकते थे और उसको ढेर सारा सोना भी दे सकते थे, लेकिन अमित नहीं चाहता था कि उसके स्टूडेंट बिना मन के उससे मैजिक सीखे, क्योंकि उसे पता था कि मैजिक सीखना एक लंबा और कठिन काम है और बिना मन के तो कोई मैजिक सीख ही नहीं सकता। आधी दाढ़ी वाले दादाजी, दुखी मत हो, मैं आपको मैजिक सिखाने बहुत दूर तक नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ मैजिक सिखा सकती हूँ। आप जैसे अच्छे से सीख जाएंगे आप वापस चले जाना, रिया ने बहुत प्यार से अमित से कहा और सोचने लगी। सफेद दाढ़ी वाले दादाजी अभी कितने दुखी लग रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी दाढ़ी जला दी। इन्हें चलने के लिए अपनी छड़ी की हेल्प लेनी पड़ती है और इन्हें ठीक से मैजिक करना भी नहीं आता। मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है। जब रिया अमित को बेचारा समझकर देख रही थी, तो अमित को बहुत अच्छा लगा और उसकी आंखों में रौनक आ गई। उसे अचानक एक आइडिया आया और वो सोचने लगा, मुझे इसे करूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां रहकर भी अपना काम आसानी से कर सकता हूं। अब अगर मैं ये ऑफर प्रेम के सामने रखता हूं तो शायद प्रेम इस बार हां बोल देगा, लेकिन मुझे प्लान में कुछ चेंजेस करने होंगे। मुझे करूर के कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाने होंगे। बिना इक्विपमेंट के मैजिक सिखाना एक टफ टास्क है। मुझे ककाओ गांव में ही रिया के लायक जगह तैयार करनी होगी। इस बात से अमित के चेहरे पर वापस स्माइल आ गई। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरा बिल बता दो। उसने दो प्लैटिनम के सिक्के अपनी जेब से निकाले और टेबल पर रख दिए। हाँ आपका बिल हुआ 12 सोने के सिक्के। रिया ने दोनों प्लैटिनम के सिक्के उठाए और 8 सोने के सिक्के अमित को रिटर्न किए। ये रहे आपके बाकी 8 सोने के सिक्के। रिया ने जब अमित को खुश देखा तो उसे लगा कि वो अमित को मैजिक सिखाने वाली है, इसलिए अमित खुश हो चुका है। गुड बाय प्यारी बेटी, अमित ने सिक्के लिए और छड़ी लेकर स्माइल करते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। शायद जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मैं खुद उस बिल्डिंग में अब और नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी सारी उम्र वहीं गुजारी है, वहां कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसे तो मूर्तों की बिल्डिंग कहें ज्यादा अच्छा होगा। वहां रहने वाला हर इंसान एक घिसी पिटी लाइफ जी रहा है। किसी की लाइफ में ना तो कोई थ्रिल है
और ना ही कोई एक्साइटमेंट। बस कालचुरी स्टेट वालों की जी हजूरी में ही वहां के लोगों की जिंदगी निकल रही है। ये गांव कितना अच्छा है, भले यहां करूर जितनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूं। और सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे यहां अच्छा खाना मिल जाता है, और शायद मुझे जल्दी ही मेरी अच्छी स्टूडेंट भी मिल जाए। बची हुई लाइफ यहां बिताना खराब चॉइस नहीं होगी, अमित ने जाते हुए सोचा। बाकी कस्टमर्स अमित को अचानक से खुश होकर बाहर जाते हुए देख रहे थे। उत्कर्ष अपना सिर नीचे किए बैठा था और अमित से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि अमित उसे डांट सकता है, लेकिन अमित ने बस उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चला गया। उत्कर्ष ने राहत भरी सांस ली। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, अगर ये मुझ पर भड़क जाता तो शायद हम दोनों में काफी बहस हो जाती और उसके बाद शायद प्रेम हम दोनों को रेस्टोरेंट से बैन कर देता। उत्कर्ष ने अमित को जाते हुए देखकर सोचा। फिर वो अपने राजमा चावल खाने में बिजी हो गया। उत्कर्ष बहुत आसानी से अपना खून उबलता हुआ फील कर पा रहा था। उसकी बॉडी में अब ऐसा कोई बैरियर नहीं था जो उसकी इच्छाओं को बांध सके। राजमा चावल का इंपैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एक होप जगाने के लायक था। उसे लग रहा था कि लगातार राजमा चावल खाते रहने से एक दिन वो पावर का नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेगा। अगर ये मुझ पर काम करता है तो ये बाकी लावा वॉरियर्स पर भी जरूर काम करेगा। उनमें से बहुत लोगों का अभी तक दूसरा बैरियर भी नहीं टूटा है, तो शायद उन पर इसका और भी ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट हो। लगता है मुझे जल्दी घर जाकर वहां से कुछ लोगों को यहाँ राजमा चावल खाने के लिए लाना होगा। फिर हम सब लोग यहाँ मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और कॉम्पिटिशन में पार्ट लेकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हम लोग इतने सालों से इस दुनिया में अपनी वैल्यू खो चुके हैं और अब यही वक्त है कि हम अपनी पहचान वापस हासिल करें। उत्कर्ष ने थोड़ी देर सोचा और मन में बड़बड़ाया। मैं इसे कहूंगा वजूद की ललकार। प्रेम डाइनिंग आर्ट्स में बहुत बिजी था। उसने 9 बजे के बाद ऑर्डर लेना बंद कर दिया। जैसे ही कुछ बचे हुए कस्टमर्स अपना खाना कंप्लीट करके बाहर निकले, प्रेम ने ओपन साइन को घुमा दिया और दरवाजे को क्लोज किया। अब उसने एक राहत भरी सांस ली। लगातार 4 घंटे काम करने के कारण उसे काफी थकावट फील हो रही थी। वो दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और सफाई करने से पहले थोड़ा आराम करने लगा। रिया चलकर प्रेम के पास आई और बिल्ली को फ्लोर पर छोड़ दिया। पापा, हमने आज 305 प्लेट राजमा चावल और 76 प्लेट रेनबो शाही कबाब बेचे, जिससे हमने 1371 सोने के सिक्के कमाए हैं। रिया ने अपने टोस्ट की टिप्स पर खड़े होकर प्रेम से कहा। फिर वो प्रेम की पीठ दबाने की कोशिश करने लगी। प्रेम की आंखों में रौनक आ गई। अरे वाह, हमारी कमाई दोगुनी हो गई, प्रेम ने बहुत खुश होकर कहा और सोचने लगा। अगर इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट हटा दें तो भी हमने आज 900 से ज्यादा सोने के सिक्के कमाए। राजमा चावल की सप्लाई बढ़ाना वाकई में एक अच्छी चॉइस थी। ऐसे हम लगातार काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस इससे थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर मैं एक एम्प्लॉय ले आता हूं तो उसकी भी कोई चिंता नहीं रहेगी। अब बस मुझे एक डे ऑफ तक का वेट करना है, जिससे मैं रेस्टोरेंट के लिए अच्छा वर्कर ढूंढ लूं जो ऑर्डर लेने में और सर्व करने में मेरी हेल्प कर सके। डिनर के लिए 50 नए कस्टमर्स आए थे और उनमें से ज्यादातर रेगुलर कस्टमर्स के रिकमेंडेशन के कारण ही आए थे। बाकी कस्टमर्स बिजी रेस्टोरेंट देखकर आए थे। अब प्रेम के पास टोटल 260 न्यू कस्टमर्स हो चुके थे। इसी रेट से अगर प्रेम चलता रहा तो वो जल्द ही अपने हिडन मिशन को पूरा कर लेगा। उसने 400 से ज्यादा प्लेट राजमा चावल बेचे थे और अगले 2 दिन में वो इस मिशन को पूरा कर लेगा। उसके बाद उसके लिए रसमलाई की रेसिपी अनलॉक कर दी जाएगी। ताजी ताजी रसमलाई के बारे में सोचते ही प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई। डैडी, हम बहुत दिनों से राजमा चावल खा रहे हैं, अब नया कुछ कब बनाओगे? अब मैं राजमा चावल खाते खाते बोर हो गई हूँ, मुझे ना कुछ नया नया खाने का मन है, रिया ने प्रेम की पीठ दबाते हुए बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ पूछा। मैं 2 दिनों के बाद तुम्हारे लिए एक नई डिश बनाऊंगा, प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो थोड़ी देर को हेजिटेट हुआ, लेकिन फिर उसने सीरियसली पूछा। रिया, क्या तुम सीरियसली मैजिक सीखना चाहती हो?
हाँ डैडी, मैं पावरफुल मैजिक सीखना चाहती हूँ। अगर कोई मेरे डैडी को हर्ट करने की कोशिश करता है तो मैं डैडी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। रिया ने सिर हिलाकर बहुत प्यार से कहा। फिर उसने प्रेम की उंगली पकड़ी और कहा, आप चिंता मत करो पापा, मैं जल्दी बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी। मैं श्योर हूं कि तुम ये कर लोगी, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। रिया की बातें सुनकर प्रेम को बहुत अच्छा लग रहा था। महेंद्र प्रताप जब लंगड़ाता हुआ रोड पर चलता था तो शरारती बच्चे उसे परेशान करते थे। कभी कभी तो बच्चे उस पर पत्थर तक फेंक देते थे। महेंद्र प्रताप बहुत कोशिश करता था कि रिया ये सब ना देख पाए, लेकिन रिया ने कई बार ऐसा होते देखा था। रिया उस टाइम महेंद्र के सामने खड़ी हो जाती थी और रोते रोते उन बच्चों से चले जाने को कहती थी। प्रेम को महेंद्र प्रताप की यादों में झांकने पर सब बातें ठीक से समझ आ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये बस कल की ही बात हो। शायद इसीलिए रिया के मन में अपने पापा को प्रोटेक्ट करने का आइडिया आया। रिया को पिछली सारी बातें बहुत अच्छे से याद थी और वो आगे से नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पापा को परेशान करे या पत्थर मारे। इसलिए रिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके अपने पापा को प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा उनके लिए खड़ी रहेगी और अगर कोई भी उनकी तरफ आगे बढ़ेगा तो रिया उसे अपनी फायरबॉल्स का स्वाद चखाएगी। रिया का प्यार और विश्वास देखकर प्रेम का दिल पसीज गया और उसने रिया को गोदी में उठा लिया। प्रेम ने रिया को कसकर पकड़ा और उसके माथे को चूम लिया। उसकी एकमात्र सबसे करीबी और सबसे प्यारी बेटी हमेशा उसे ही सबसे पहले रखती थी। हर चीज पर रिया पहले अपने पापा का हक समझती थी। जब भी प्रेम कोई नई डिश बनाता था तो रिया हमेशा प्रेम को पहले खाने को देती। जब भी प्रेम थक जाता तो रिया सबसे पहले उसकी पीठ मसाज करती। ये सभी बातें सोचकर प्रेम के मन में प्यार का झरना बह रहा था। तुम चिंता मत करो, पापा भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें बस डेली खुश रहना है, तुम खूब खेलो, मस्ती करो, तुम अपनी लाइफ ना बस अच्छे से एंजॉय करो, प्रेम ने रिया के कान में चुपके से कहा। तभी प्रेम सोचने लगा कि शायद वो एक अच्छा पिता नहीं है, क्योंकि रिया को इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ देखना पड़ा। रिया बस 5 साल की थी और उसे अपने 30 साल के पापा के लिए लड़ाई करनी पड़ रही थी। उसे एक रेस्टोरेंट में पैसे कलेक्ट करने का काम करना पड़ रहा था। प्रेम ये सब कुछ सोचकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन रिया ने अपना सिर ऊपर करके कहा। प्रेम को पता था कि रिया क्या कहना चाहती थी। रिया हमेशा रेस्टोरेंट के अंदर ही नहीं रहना चाहती थी, उसका बाहर जाने का भी मन होता था। उसे अभी मैजिक भी सीखना था, उसे सौम्या मैम से भी मिलना था। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। एक दिन बाद हमारा डे ऑफ होगा, तब हम पूरा दिन खेलेंगे, हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। हम ककाओ स्कूल भी चलेंगे और वहां देखेंगे कि क्या तुम्हें कोई मैजिक सिखा सकता है, और हम वहां पे सौम्या मैम से भी मिलेंगे। रिया की आंखों में रौनक आ गई। क्या सच में? उसने प्रेम की तरफ बहुत सरप्राइज होकर देखा, फिर उसे थोड़ी सी चिंता होने लगी। लेकिन मैंने आधी दाढ़ी वाले दादाजी को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें फायरबॉल मैजिक सिखाऊंगी, मैं लायर नहीं बनना चाहती। पापा वो बहुत बूढ़े हो गए हैं और ठीक से चल भी नहीं पाते, शायद फायरबॉल मैजिक सीखने के बाद वो कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्रेम ने स्माइल करके कहा। बेटा एक्चुअली वो बहुत पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन वो तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए बहुत दूर ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। और तुम्हें उन्हें फायरबॉल मैजिक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे यूज करना जानते हैं। सच में? लेकिन उनकी दाढ़ी तो मेरी फायरबॉल से ही चली थी ना, प्रिया ने प्रेम की बात पर भरोसा नहीं करते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी फायरबॉल बहुत पावरफुल है, इसलिए अब आगे से जब भी तुम इसे यूज करोगे ना तो पहले देख लेना कि सामने वाला फायरबॉल के सामने खड़ा भी हो सकता है या नहीं, नहीं तो वो रोस्ट हो जाएगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम रिया को अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सिखा रहा था। भले ही रिया अभी बहुत छोटी थी, लेकिन प्रेम अभी से उसे दुनिया को देखने का नजरिया सिखा रहा था। प्रेम रिया से एक संत की तरह हो जाने की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखता था, लेकिन वो उसे बड़े होकर बुरा बंदा भी नहीं देख सकता था। काइंडनेस किसी भी हद तक एक इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। ये बात प्रेम ने धीरे धीरे करके सीखी तब जब भगवान ने उसे इस दुनिया में भेजा। जब वो यहां आया था
तब उसके साथ बिना किसी लिमिट के कुछ भी बुरा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में एक इंसान किसी दूसरे इंसान की पनिशमेंट से बच सकता है, लेकिन वही इंसान भगवान की पनिशमेंट से नहीं बच सकता। प्रेम को भी जो पनिशमेंट मिली थी, प्रेम उसे निभा रहा था। कुकिंग का बादशाह बनना प्रेम के लिए एक कभी ना पूरे होने वाले सपने जैसा था, लेकिन प्रेम ने मेहनत करके धीरे धीरे खाना बनाना सीख लिया और वो पहले से ज्यादा काइंड हो चुका था। रिया ने अच्छे बच्चों के जैसे सिर हिलाया, फिर उसने नीचे की ओर अपनी बिल्ली को देखा जो दोनों की तरफ ही देख रही थी। रोस्टेड, रोस्टेड, रिया ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। रिया की बात बिल्ली के कानों तक पहुंच गई और वो बहुत घबरा गई। बेचारी बिल्ली को बार बार ये बात याद दिलाई जाती थी कि उसे बस इसलिए बड़ा किया जा रहा है ताकि उसे रोस्ट करके खाया जा सके। ऐसी सिचुएशन में बिल्ली के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रिया जाओ, जाकर अगले डकलिंग के साथ खेलो, और अगर तुम थक गई हो तो ऊपर जाकर सो जाओ, मैं अभी रेस्टोरेंट क्लीन करूंगा। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा और स्माइल करते हुए उसे वापस फ्लोर पर खड़ा कर दिया। रिया ने नामे सिर हिलाया। नहीं पापा, अगली डकलिंग मशरूम परी और मैं, हम यही वेट करेंगे। रिया ने अपनी बिल्ली को उठाया, काउंटर के पास एक लंबी कुर्सी पर जाकर बैठ गई, म्यूजिक बॉक्स चालू किया और गाना गुनगुनाने लगी। सडनली उसने प्रेम की तरफ देखा जो अभी भी टेबल साफ कर रहा था। डैडी, अगर मैं सौम्या मैम के लिए गाना गाऊंगी तो क्या वो खुश हो जाएंगी? प्रेम ने स्माइल करके कहा। हाँ बेटा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। रिया को सौम्या मैम बहुत पसंद थी, लेकिन रिया अभी ककाओ के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए बहुत छोटी थी। सौम्या ने फिर भी बहुत बार उसे क्लास में बैठने दिया था। प्रेम ने एक प्लान बनाया कि वो स्कूल में किसी टीचर से बात करेगा जो रिया को मैजिक का थोड़ा एडवांस नॉलेज दे पाए। रिया ने फायरबॉल मैजिक अपने आप से ही सीखा था। अगर रिया को मैजिक के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता तो वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। प्रेम नहीं चाहता था कि सभी की नजरों में रिया की इमेज बुरी बन जाए। मासूम और भयानक में काफी फर्क होता है। रिया सभी को मासूम लगती थी, लेकिन जिस जिसने भी उसे फायरबॉल मैजिक करते देखा था उसे वो भयानक भी लगती थी। प्रेम जल्दी ही रिया को एक अच्छा मजिशियन बनाना चाहता था, जिससे वो मासूम होते हुए भी अपने पार्ट्स को अच्छे से यूज कर पाए। रिया ने सिर हिलाया। फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मैं डैडी और सौम्या मैम के लिए भी गाना गाऊंगी। रिया ने बहुत प्यार से कहा और दोबारा धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। प्रेम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने लगा। रिया अब प्रेम को डैडी कहकर बुलाने लगी थी। भले ही कभी फ्लो फ्लो में उसके मुंह से पापा भी निकल जाता था, लेकिन प्रेम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कभी कभी तो उसे पापा वर्ड भी बहुत क्यूट लगता था। प्रेम ने डिसाइड किया कि रिया को जो मन में आए उसे वही बोलने दिया जाए। वैसे भी रिया जो भी बोलती है सब प्यारा ही लगता है, आखिर रिया है ही इतनी प्यारी। प्रेम ने रेस्टोरेंट साफ किया और आने वाले दिनों के लिए राजमा भिगो दिए। उसके बाद उसने हाथ धोए। रिया काउंटर पर लेटी हुई थी और सो चुकी थी। उसकी बिल्ली भी गोदी में सो रही थी। म्यूजिक बॉक्स अभी भी बज रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर करके अपने मन में कहा, सिस्टम क्या ये तुम्हारा 5000 कॉपर के सिक्कों का वर्दी म्यूजिक बॉक्स? तुमने तो लूट लिया है मुझे, गजब की लूट मार मचा रखी है तुमने। देखो ये कितने दिन में खराब हो चुका है, इसकी आवाज तो सुनो कितनी बुरी आ रही है। मैं तो सीरियसली सोचता था कि तुम्हारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, इसलिए आंखें बंद करके तुम्हारे प्रोडक्ट्स खरीद लेता था। तुमने तो मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया और ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट मुझे बेचा है। ये मशीन लगातार चलने के लिए नहीं बनी है, अगर बैटरी की पावर खत्म हो जाएगी तो इसकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तुम्हें बस 4 ए साइज की बैटरीज खरीद कर लगानी है, सिस्टम ने काम होकर कहा। तुमने इतने फैंसी बॉक्स में ए साइज की बैटरी लगाई है, इसके साथ तो लिथियम बैटरी और चार्जर होना चाहिए था ना। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सी चीज बेटर होगी। इतनी हाई पावर कंजम्पशन के बाद भी तुमने इसमें ए साइज की बैटरी डाली है, गजब हो तुम। प्रेम ने सिस्टम से शिकायत की, उसकी कड़वी जुबान कुछ कहने के लिए फड़क रही थी। डिस्क्रिप्शन पेज के डिटेल डायरेक्शंस में साफ साफ लिखा है कि म्यूजिक बॉक्स में 4 ए साइज की बैटरीज यूज की गई है। तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं इसे चेंज कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो।
तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, सिस्टम ने कहा। उसकी आवाज अभी भी बहुत काम थी। प्रेम ने जैसे ही अपने दिमाग में चारों ऑप्शन देखे, उसे लगा जैसे सिस्टम उसे बेवकूफ बना रहा था। प्रेम के पास डायरेक्शंस पढ़ने का टाइम नहीं था और सिस्टम ने इसी बात का फायदा उठा लिया। प्रेम अब थोड़ा चिढ़ा हुआ फील कर रहा था। जब प्रेम ने चारों ऑप्शन देखे तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। पहला ऑप्शन है पावर सोर्स बदले, 4 ए साइज बैटरीज की जगह जल्दी चार्ज हो जाने वाली हाई कैपेसिटी की लिथियम बैटरी लगा दी जाएगी। बैटरी को 3 मिनट चार्ज करने पर म्यूजिक बॉक्स को 3 घंटों तक यूज किया जा सकता है। अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये 3 दिन तक चलेगी। प्राइस 10 गोल्ड कॉइन। एक्सेसरीज 1 ओरिजिनल चार्जर। दूसरा ऑप्शन पावर सोर्स और कपड़े बदले, पहले ऑप्शन की सर्विस के अलावा तुम्हें डॉल के लिए 10 जोड़ी ब्यूटीफुल कपड़े मिलेंगे। तुम बस एक बटन दबाकर इसके कपड़े बदल सकते हो। प्राइस 20 गोल्ड कॉइन। लास्ट के 2 ऑप्शंस में म्यूजिक बॉक्स अपग्रेड होकर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकेगा, लेकिन उनकी प्राइस 100 और 200 सोने के सिक्के हैं, जो कि प्रेम के लिए थोड़े से महंगे हैं। सिस्टम, मैं कसम खाता हूँ मैं जल्दी नया खरीद लूंगा। तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे माफ कर दो। क्या मैं अभी ये ना खरीदूं तो चलेगा? इनके रेट्स काफी हाई हैं और मैंने अभी अभी म्यूजिक बॉक्स के ऊपर पैसे खर्च किए थे। अब मैं दोबारा इसमें पैसे लगाने के मूड में नहीं हूं, प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा। तुम शायद ऐसा नहीं करना चाहोगे, तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है, ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। अगर तुम मेरी इंसल्ट करते हो तो एक और हिडन मिशन शुरू हो जाएगा। अब मैं हर बार का तुम्हारा नाटक नहीं झेलूंगा। अब जब भी तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश करोगे, तुम्हें उस बात की पनिशमेंट जरूर मिलेगी, सिस्टम ने सीरियस होकर कहा। ठीक है, बट डोंट यू थिंक तुम बहुत क्रूएल हो, प्रेम ने कहा। प्रेम का बहुत मन था कि वो चौथे ऑप्शन को चूज करे, जिसमें होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हो सकता था और डॉल अलग अलग तरह के डांस कर सकती थी, लेकिन प्राइस देखकर प्रेम हेजिटेट हो गया था। चलो ठीक है, मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूं, आखिरकार प्रेम ने कहा। पैसे अभी प्रेम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। रिया अभी भी इस म्यूजिक बॉक्स में बहुत इंटरेस्टेड थी और उसने अभी तक पहला गाना भी नहीं सीखा था, इसलिए अभी म्यूजिक बॉक्स को होलोग्राफिक प्रोजेक्शन डिवाइस में अपग्रेड करना किसी काम का नहीं था। रिया का मन जब तक किसी चीज से पूरा नहीं भर जाता, तब तक वो किसी नई चीज की डिमांड नहीं करती। अभी जब तक उसका मन इसी म्यूजिक बॉक्स में लगा हुआ है, तब तक फिजूल में पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए प्रेम ने बस बैटरी को अपग्रेड किया, जिससे बार बार बैटरी चेंज करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और बस बैटरी को चार्ज करते रहने से म्यूजिक बॉक्स चलता रहे। 10 सोने के सिक्के काट लिए गए हैं, म्यूजिक बॉक्स को ठीक किया जा रहा है और ये काम 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक करने के बाद बैटरी पूरी तरह से चार्ज रहेगी, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने काउंटर की तरफ देखा, म्यूजिक बॉक्स गायब हो चुका था। अब क्योंकि सिस्टम म्यूजिक बॉक्स चार्ज करने वाला था, इसलिए प्रेम को वहीं रुकना ठीक नहीं लगा। प्रेम ने बिल्ली को उठाया, फिर धीरे से रिया को गोदी में उठा लिया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। रिया शांति से सो रही थी, प्रेम उसे उठाना नहीं चाहता था। उसने दोनों बच्चों को बेड पर सुला दिया और फिर सीढ़ियों से नीचे जाकर लाइट्स ऑफ कर दी। नहाने के बाद प्रेम रिया के बेड के पास गया। रिया सोते हुए स्माइल कर रही थी। प्रेम भी नाइटवेयर पहनकर अपने बेड पर चला गया। प्रेम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास कभी इतनी क्यूट बेटी होगी। भगवान ने उसे इस दुनिया में पनिशमेंट के लिए भेजा था, लेकिन अब तो ये पनिशमेंट की जगह रिवॉर्ड हो चुका था। अब प्रेम फ्यूचर को लेकर बहुत सारी ब्यूटीफुल एक्सपेक्टेशंस और सपने सोचकर बैठ चुका था। रेस्टोरेंट तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले दिनों में शायद धीरे धीरे प्रेम का गांव गांव में घुलना मिलना शुरू करेगा और फिर इसकी बहुत सारी स्पीशीज वाली दुनिया का एक खास हिस्सा बन जाएगा। प्रेम सुबह जल्दी उठ गया। उसने सुबह की शुरुआत इंग्रीडियंट्स प्रिपेयर करने से की। जब से प्रेम रेस्टोरेंट का ओनर बना था, तभी से उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि जो भी रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हमेशा एडवांस में तैयारी करनी होती है और यहां तो प्रेम को फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खुद लेने भी नहीं जाना पड़ता। आज का बिजनेस कल से भी अच्छा होने वाला था। राजमा चावल से वेट लॉस होता है, इस वाले नुस्खे ने बहुत सारे मोटे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था।
इसलिए काफी मोटे लोग प्रेम के रेस्टोरेंट में आए थे। सबसे ज्यादा दिलचस्प कस्टमर थी 8 अमीर औरतें, वो सभी साथ में आई थी। ये सभी सिद्धार्थ और उसके दोस्तों से भी ज्यादा मोटी थी। जब ये सभी औरतें कुर्सियों पर बैठ रही थी तो प्रेम को अपनी कुर्सियों की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन किस्मत से 10 सोने के सिक्कों वाली कुर्सियों ने उनका काम ठीक से कर दिया और कुर्सियां इन सभी औरतों का वेट सहन कर गई। जब उन्होंने अपने राजमा चावल खाए तो सीन देखने लायक था। उनका बॉडी फैट बहुत तेजी के साथ शेक कर रहा था। उनकी टेबल की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भूकंप आ गया हो। आसपास के सभी कस्टमर्स इन औरतों को मुंह खोलकर देख रहे थे। प्रेम के लिए भी ये सीन काफी डिफरेंट था। प्रेम ने इतनी तेजी से बॉडी फैट का शेक करना एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रेम, स्क्रीन में दिख रहा है कल तुम्हारा डे ऑफ रहेगा, तो क्या तुम कल रेस्टोरेंट ही ओपन करोगे? एक कस्टमर ने प्रेम के हाथ से राजमा चावल लेते हुए पूछा। नहीं, हम कल रेस्टोरेंट नहीं ओपन करेंगे। हर हफ्ते में एक दिन डे ऑफ रखेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। हम बस 6 दिन ही रेस्टोरेंट ओपन करेंगे और कल हमारा डे ऑफ है, प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। प्रेम को ठीक से याद भी नहीं था कि वो इसी बात का कितनी बार जवाब दे चुका था। सभी कस्टमर्स उसे बार बार बुलाकर यही सवाल पूछ रहे थे और उसे सभी को एक ही जवाब देना पड़ रहा था। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे लगता है फिर तो कल मैं अपनी पत्नी और बच्चों को यहां नहीं ला पाऊंगा। मेरा बहुत मन था कि कल मैं उन्हें यहां का फूड टेस्ट करवाने लाऊं, उस कस्टमर ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा। फिर वो थोड़ी देर तक सोचता रहा और बोला, तुम्हारा बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है और एक दिन में तुम काफी पैसे कमा लेते हो, लेकिन अगर कल तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद रहता है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है? अगर किसी कस्टमर को तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद मिला तो शायद वो दोबारा ना आए। बाकी रेस्टोरेंट पूरे साल खुले रहते हैं, क्या तुम इस हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे? ये सही कह रहा है प्रेम, तुम्हारा फूड खाने के बाद अब और कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। कल तो शायद मैं भूख से मर ही जाऊंगा। प्रेम, हम यहां रोज आते हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो। बाकी कस्टमर्स भी ऐसी ही बातें रिपीट कर रहे थे। सभी लोगों को प्रेम के फूड की ऐसी आदत हो चुकी थी कि वो एक दिन का भी गैप नहीं कर सकते थे। वो सभी प्रेम के पीछे पड़े थे, जबकि कुछ तो उसे बिल्कुल धमकी दे रहे थे। हालांकि धमकाने का तरीका गलत नहीं था, लोग तो बस उसे डे ऑफ के नुकसान बता रहे थे। प्रेम ने नामे सिर हिलाया। तुम एक दिन में भूखे नहीं मरोगे, हफ्ते में एक दिन आराम करना हमारे रूल में लिखा हुआ है। अभी हमारे पास मेरे अलावा और कोई कुक नहीं है और मुझे बाकी कामों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए हम साल भर अपना रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते। प्रेम ने कस्टमर्स को सीधे रिजेक्ट कर दिया था। सभी कस्टमर्स बहुत दुखी होकर प्रेम की तरफ देखने लगे। प्रेम बाकी रेस्टोरेंट के ओनर जैसा नहीं था, जो रेगुलर कस्टमर्स चले जाने के डर से डे ऑफ लेने में काफी सोचते थे। प्रेम अपनी बात पर टिका हुआ था। कस्टमर्स का बस चलता तो वो पूरे दिन रेस्टोरेंट में बने रहते, लेकिन प्रेम के रूल्स के हिसाब से रेस्टोरेंट में बस ओपनिंग आवर्स में ही आया जा सकता था। कस्टमर्स प्रेम के जैसे बिजी नहीं रहते थे, सबके पास काफी टाइम रहता था। उन्हें अच्छे से मालूम था कि प्रेम अपने ओपनिंग आवर्स तक बदलने को तैयार नहीं था। उन्हें पता था कि प्रेम एक मिनट पहले भी अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलता था, भले ही बाहर कितने भी कस्टमर्स वेट कर रहे हों, और 9 बजे के बाद वो एक प्लेट भी कुक करके नहीं देता था, चाहे भले ही कोई भूखा क्यों ना हो। इसलिए कस्टमर्स तो बस हवा में लाठी चला रहे थे, लेकिन उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं था। जैसे ही आखिरी कस्टमर गया, प्रेम ने दरवाजा बंद कर लिया और रात भरी सांस ली। फाइनली वो कल पूरे दिन तक आराम कर सकता था। प्रेम इस बात को बखूबी समझता था कि कस्टमर्स डेली अच्छा फूड खाना चाहते हैं, लेकिन रिया हमेशा से उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इसलिए प्रेम कस्टमर्स के डिसअपॉइंटमेंट की इतनी चिंता नहीं करता था। प्रेम को लगता था कि कस्टमर्स को तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हफ्ते में बस एक दिन का ही डे ऑफ लेता है, वरना थक तो वो इतना जाता था कि हफ्ते में 2 दिन का डे ऑफ भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी प्रेम और रिया ने कल जितने आइटम्स ही बेचे थे, शायद ये उनका बेस्ट था जो वो कर सकते थे। अब बस उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए 300 प्लेट राजमा चावल और बेचने थे। डे ऑफ के ठीक एक दिन बाद ही प्रेम इस काम को कंप्लीट कर लेगा। रिया ने म्यूजिक बॉक्स में कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं किया। अब वो बॉनी डॉल के साथ पूरा पूरा गाना गा लेती थी। म्यूजिक के मामले में रिया वाकई में बहुत टैलेंटेड थी। अगली सुबह रिया काफी जल्दी उठ गई। वो अपने बेड से नीचे उतरी और प्रेम के बेड के पास गई। पापा, आज हम स्कूल जाकर सौम्या मैम से मिलने वाले हैं ना? रिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। प्रेम आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया था,
जब रिया ने उसे उठाया तो उसने रिया की तरफ नींद भरी आंखों से देखा। रिया की बड़ी बड़ी आंखें काफी एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। रिया ने पर्दा खींचकर थोड़ा सा ओपन किया। प्रेम ने घड़ी की तरफ देखा तो अब तक 8 बज चुके थे। प्रेम बहुत दिनों से ढंग से सोया नहीं था। प्रेम ने स्माइल करके कहा, आज हमें काम नहीं करना है, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर चलेंगे। प्रेम बिस्तर से उठ चुका था और रिया को गोदी में बैठाकर उसके साथ खेलने लगा। रिया की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। बिल्ली भी फ्लोर पर चारों तरफ कूद रही थी। वो तो अपने पैरों पर खड़े होकर यह भी देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके पैर बहुत छोटे छोटे थे। वो दुखी होकर रोने लगी। आज फिर उसे बेड से लात मारकर गिरा दिया गया था। प्रेम ने रिया को गोदी में लिया और बेड से खड़ा हो गया। उठो, चलने का टाइम हो गया, तुम क्या पहनना चाहोगी और आज तुम्हें कैसी हेयर स्टाइल करनी है, प्रेम ने स्माइल करते हुए पूछा। रिया ने प्रेम से कहा, मुझे 2 चोटियां बनवानी है, फूल वाली पर्पल ड्रेस और सफेद जूते पहनने हैं। पापा, क्या मैं मशरूम परी के जैसी दिखूंगी? रिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, तुम मशरूम परी से भी ज्यादा सुंदर दिखोगी। तुम अपने आप में एक परी हो, तुम्हें किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुम सबसे सुंदर हो और तुम मेरी प्यारी बेटी हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम बेड से नीचे उतर गया। फिर उसने रिया की ड्रेस ढूंढी और ड्रेस पहनने में उसकी मदद की। फिर प्रेम ने अच्छे से उसकी 2 चोटियां बनाई। प्रेम बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते करते अब रिया के बाल बहुत अच्छे से बना लेता था। रिया को अभी तक 2 चोटियां ही पसंद आ रही थी और वो इन्हें चेंज नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रेम के पास नई नई हेयर स्टाइल बनाने का कोई मौका नहीं था। रिया की पसंद के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया जा सकता था। उसका जब तक किसी चीज से मन नहीं भर जाता तब तक वो एक चीज को करने में थकती नहीं थी। रिया ने अपने सफेद जूते पहने और गोल गोल घूमने लगी। पापा, क्या मैं ब्यूटीफुल दिख रही हूं? रिया ने प्रेम की तरफ देखकर पूछा। हाँ, तुम तो एक बहुत प्यारी सी परी हो, म्यूजिक बॉक्स वाली मशरूम परी से भी प्यारी, प्रेम ने जवाब दिया। रिया म्यूजिक बॉक्स की डॉल से भी अच्छी लग रही थी। रिया एक आधी बौनी थी जिसके कारण उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उसका कलर भी बहुत साफ था। अगली डकलिंग रिया के पास चली गई। उसने रिया के पैर पर अपना चेहरा रब किया। वो आज थोड़ी अपसेट थी क्योंकि जब वो रो रही थी तो किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। अगली डकलिंग, तुम्हें ड्रेस पहनाने का कोई मतलब नहीं है, तुम ड्रेस पहनने की बात भी अच्छी नहीं दिखोगी। रिया बिल्ली को उठाने नीचे झुक गई। अगली डकलिंग ने अपने पंजे ऊपर कर लिए और अपनी आंखें वाइड कर ली और फिर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी क्यूटनेस प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। अब तो तुम और भी अगली लग रही हो, काले कौवे के बाद तुम ही सबसे अगली हो, रिया ने गुस्से में अपना सिर एक तरफ घुमाकर कहा। बिल्ली दूसरी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में पानी आ गया। प्रेम ने अपना सिर हिलाया और सोचा, रिया को छोड़कर कोई भी मालिक इतनी प्यारी बिल्ली के प्यार में पड़ जाए। ये प्यारी सी बिल्ली कितनी क्यूट है और रिया रोज इसे परेशान करती है और उसे फ्यूचर में खाने के लिए भुने गोश्त के जैसे ही देखती है। रिया ने उसे बेड से लात मारकर गिराया भी था, फिर भी रिया की आंखों में इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। प्रेम ने हाथ मुंह धोया, ब्रश किया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। बहुत सारे कस्टमर्स खिड़की से अंदर ताक झांक कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रेम को देखा उनके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर वो लोग दरवाजे को नॉक करने लगे। सारे कस्टमर्स हमेशा की तरह ही सुबह से बाहर इकट्ठा हो चुके थे। प्रेम ने आईब्रोज ऊपर करके सिस्टम से पूछा, सिस्टम, तुम्हारे पास क्या खिड़की के कवर है? प्रेम को लगा कि जब उसका रेस्टोरेंट बंद रहे तो उसके पास खिड़की को कवर करने के लिए कुछ होना जरूरी है। कस्टमर्स का खिड़की से झांकना प्रेम को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता था। रोज सुबह से ही कस्टमर्स ऐसे ही खिड़की से झांकने लगते थे। फिलहाल तुम्हारे पास रेस्टोरेंट के लेआउट चेंज करने के राइट्स नहीं है, सिस्टम ने बहुत प्यार से कहा। तुम्हें पहले रेस्टोरेंट को लेवल 2 पर अपग्रेड करना होगा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ हद तक फ्री में रेस्टोरेंट का लेआउट चेंज कर दूंगा। फिर एक काम करो, ये फ्लोर से लेकर के सीलिंग विंडो तक का साइज जो है ना, मुझे एक बार मेजर करके बता दो, प्रेम ने काम होकर कहा। ये 6.5 मीटर लंबी और 3.6 मीटर ऊंची है, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। प्रेम ने सिर हिलाया। फिर मुझे इसी साइज का विंडो कवर चाहिए और इसे लटकाने के लिए भी कुछ चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, अभी तुम्हारे पास रेस्टोरेंट के लेआउट चेंज करने के राइट्स नहीं है, मैंने अभी अभी तुमसे ये बात कही,
क्या ये बात तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आई? जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। तुम एक ही चीज बार बार रिपीट क्यों करते हो? सिस्टम ने सीरियस होकर कहा, मैंने तुमसे लेआउट चेंज करने के लिए कब कहा? मैं विंडो कवर खरीदना चाहता हूं और हर बात में रोक टोक मत किया करो। क्या मेरे रेस्टोरेंट की हर चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार नहीं हो? प्रेम ने मजाकिया लहजे में कहा। प्रेम के दिमाग में थोड़ी देर को सन्नाटा छा गया। फिर सिस्टम ने कहा, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट की हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन मेरे पास विंडो कवर नहीं है। सिस्टम, 5 सोने के सिक्के। प्रेम ने धीमी आवाज में पूछा। मैं एक जिम्मेदार सिस्टम हूं। सिस्टम ने अपनी बात दोहराई। प्रेम ने अपनी आंखें चढ़ाई और नया ऑफर दिया। अच्छा, 6 सोने के सिक्के। देखो, अगर तुम नहीं बेचना चाहते हो तो मैं बाहर जाकर स्ट्रीट से बैम्बू कर्टन खरीद लेता हूं। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छे रहेगा ना। अब आगे का डिसीजन तुम्हारा है, बेचना है तो बेचो, वरना मैं तो कहीं से भी ले आऊंगा। प्रेम की आवाज बहुत काम थी। सिस्टम बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेम की बात पर सोच में पड़ गया हो। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, थोड़ा और बढ़ाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, प्रेम ने होंठ काटते हुए बोला। सिस्टम इतना लालची होने के बाद भी खुद को जिम्मेदार सिस्टम कहता था। तुम अगर मुझे 4 और सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट के डेकोरेशन से मैच होता एक विंडो कवर दूंगा। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। ये बाहर से झांकने वाले हर आदमी का व्यू ब्लॉक कर देगा और जैसे ही तुम इसे ऊपर करोगे ये गायब हो जाएगा। सही से छेद करने के लिए विंडो कवर के साथ कुछ टूल्स फ्री आएंगे। ये लगाने में बहुत ईजी है। मैं श्योर हूं कि तुम्हें यह बहुत अच्छा लगेगा। सिस्टम ने प्रेम को एक शानदार ऑफर दिया। प्रेम ने डिसअपॉइंटेड होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हैवी है। मैं तो शायद इसे ऊपर भी ना उठा पाऊं। इसे लगाने की तो बात ही छोड़ो। मुझे लगता है कि मुझे कोई अच्छा सा सेलर ढूंढ लेना चाहिए जो अच्छे रेट में विंडो कवर बेचता हो और लगाने का भी काम करता हो। तुम्हारी ये डील मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। सिस्टम फिर से शांत हो गया। रिया ने खिड़की से झांकते और दरवाजे को नॉक करते लोगों को देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। डैडी, बाहर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, आज तो हमारा डे ऑफ है ना? रिया ने प्रेम की तरफ देखकर पूछा। हाँ, आज हमारा डे ऑफ है, आज हम रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, फिर भी कस्टमर्स यहां आकर खाना चाहते हैं। प्रेम ने स्माइल करके कहा। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं और हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूं। प्रेम मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। साइन बोर्ड में साफ साफ लिखा है, शायद मुझे बाहर जाते टाइम कस्टमर्स को अच्छे से समझाना पड़ेगा और शायद ये सुनकर वो खुश नहीं होंगे। मैंने तो कल कुछ लोगों से कहा भी था कि आज हमारा डे ऑफ रहेगा, फिर भी लोग सुबह से इकट्ठा हो गए। मैं जा रही, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? एक आदमी एक दिन की छुट्टी भी ना ले। प्रेम ने किचन की तरफ जाते हुए सोचा। सिस्टम के शांत हो जाने पर प्रेम ने आगे बोलने की कोई जल्दबाजी नहीं की। प्रेम इतने हैवी विंडो कवर को अपने आप से कभी नहीं लगा पाता, और अगर वो किसी और से ये काम करवाता तो उसे लगाने वाले को ऑटोमेटिक डिजाइन अच्छे से समझानी पड़ती। इससे अच्छा तो सिस्टम उसे खुद विंडो कवर लगाकर दे सकता था। रिया ने अपने पापा की तरफ देखा। क्या ये लोग मेरे पापा को एक दिन के लिए ढंग से आराम भी नहीं करने देंगे? जबकि हम लोग तो आज सौम्या मैम से मिलने भी जा रहे हैं। मैं अभी इनको मजा चखा के आती हूं। इनको थोड़ा दूसरी भाषा में ही समझाना होगा। रिया ने अपने मन में बड़बड़ाया, फिर उसने अपनी मुट्ठी बांधी और बिल्ली को लेकर दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने कल प्रेम की बात नहीं सुनी थी और बाकी लोग यहां बस अपना लक ट्राई करने के लिए आए थे कि शायद प्रेम बहुत सारे कस्टमर्स देखकर अपना रेस्टोरेंट आज भी खोल दे। हालांकि ओपनिंग आवर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे और दरवाजा अभी तक बंद था। सभी कस्टमर्स स्क्रीन पर डे ऑफ लिखा हुआ देख रहे थे। कुछ कस्टमर्स बहुत देर तक वेट करने के बाद चले गए क्योंकि वो ब्रेकफास्ट की वजह से सारा दिन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जो लोग बहुत दूर से यहां सिर्फ खाने आए थे उन्होंने वापस जाना एक्सेप्ट नहीं किया और करीब 10 लोग ऐसे ही बाहर खड़े रहे। वो लोग सोचकर बैठे थे कि वो लोग प्रेम को कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मना लेंगे और कम से कम एक प्लेट राजमा चावल ले ही लेंगे। उत्कर्ष भी इसी भीड़ का हिस्सा था। कल उसे और भी अच्छा कॉम्पिटिशन मिला था। उसने कल 3 बड़े पक्षी मारे थे और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 80 सोने के सिक्के मिले थे। आज वो ब्रेकफास्ट पर कुछ पैसे खर्च करना चाहता था क्योंकि उसे रोज रोज इतने अच्छे कॉम्पिटिशन नहीं मिलते थे जिनसे वो इतने ज्यादा पैसे कमा पाए। उत्कर्ष बहुत लकी था कि उसने अपना कॉम्पिटिशन बहुत जल्दी खत्म कर लिया था।
उसने हर मील में 10 राजमा चावल खाने की जगह 5 राजमा चावल खाने का प्लान बनाया, ताकि उसके पैसे कुछ और दिनों तक चल जाए और कोई नया कॉम्पिटिशन ना मिलने पर भी उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे रहे। उत्कर्ष ने कल प्रेम की बात ध्यान से सुनी थी, लेकिन वो आज अपने किस्मत आजमाने यहां आया था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रेम प्रेशर में आकर आज भी रेस्टोरेंट ओपन कर दे। अगर ऐसा हुआ तो पहले उत्कर्ष प्रेम के रेस्टोरेंट में राजमा चावल खाएगा, इसके बाद वो किसी नए कॉम्पिटिशन को ढूंढने जाएगा। उत्कर्ष भीड़ के पीछे खड़ा था और उसे दरवाजे की तरफ जाने की कोई जल्दी नहीं थी। जब कस्टमर्स ने दरवाजे की तरफ आते किसी के पैरों की आवाज सुनी तो उन्होंने दरवाजे की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देखा। वो सभी लोग सोच रहे थे कि शायद उनका जोश देखकर प्रेम अपना मूड चेंज कर ले। धीरे से दरवाजा खुला। कस्टमर्स ने रिया और बिल्ली की तरफ बहुत डिसअपॉइंटेड होकर देखा। आज हमारा रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, मैं और पापा आज सौम्या मैम से मिलने जा रहे हैं। अगर आप लोग डिलीशियस रेनबो शाही कबाब और राजमा चावल खाना चाहते हैं तो कल आना। फिर रिया का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और उसने अपना हाथ ऊपर कर लिया। और अगर आप किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। तुम लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत गुस्से वाली लड़की हूं। भीड़ में सन्नाटा पसर चुका था, सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर सभी रिया को देखने लगे, जो वहां एक हाथ से मुट्ठी बनाए खड़ी थी और एक हाथ से अपनी बिल्ली को पकड़े थी। रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और थोड़ा गुस्सैल दिखने की कोशिश की। जब कस्टमर्स ने उसे इस अंदाज में देखा तो उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। उत्कर्ष ने जैसे ही रिया को देखा, उसके दिमाग में कई बातें चलने लगी। शायद अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन रिया तो गुस्से में भी क्यूट लगती है। लगता है आज मुझे भुना गोश्त ही खाना पड़ेगा। मैं आज फिर से कोई अच्छा कॉम्पिटिशन ढूंढूंगा। मुझे हर मील में 10 प्लेट राजमा चावल खाने के लिए बहुत मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। फिलहाल तो मैं 5 प्लेट से ही काम चला लूंगा। उत्कर्ष मुड़ा और चौराहे से आगे निकल गया। एक लड़की ने जैसे ही रिया की बात सुनी, वो बोली, ये कितनी प्यारी लड़की है। कुछ कस्टमर्स ने रिया को लावा डीमन और मजिशियन की दाढ़ी को जलाते देखा था और इन कस्टमर्स में से कोई उन दोनों के बाल बराबर भी स्ट्रांग नहीं था। लोग थोड़ी देर तक हेजिटेट हुए, फिर उन्होंने जब उत्कर्ष को चुपचाप जाते देखा तो वो भी चले गए। प्रेम ने जो कहा था उसने वही किया, एक कस्टमर ने कहा, और अपनी बेटी को ये सब हैंडल करने के लिए भेजना काफी स्मार्ट मूव था। मैं बहुत अपसेट हूं, लेकिन मैं इस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता। ये काफी अनोइंग है, उसने अफसोस जताया और फिर स्माइल करने लगा। हाँ, मैं तो 20 मिनट पैदल चलकर आया था, एक दूसरे कस्टमर ने कहा, लेकिन प्रेम के लिए अकेले रेस्टोरेंट चलाना वाकई में आसान नहीं है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो अगर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिर उसकी बेटी भी तो कितनी प्यारी है, कोई भी उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेगा। उसको तो देखने भर से आंखों को सुकून मिल जाता है, ऐसी बेटी पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। बहुत से कस्टमर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। वो लोग बस रिया को देखे जा रहे थे। फिर वो थोड़ी देर ठहरे और चले गए। प्रेम जब पानी का ग्लास लेकर बाहर आया तो उसने स्माइल की। रिया प्रेम की काफी मदद कर देती थी। प्रेम बहुत देर से सोच रहा था कि वो कस्टमर्स को आज के बारे में कैसे समझाए और उन्हें आज बिना खाए जाने के लिए कैसे मनाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रिया इस काम को चुटकियों में कर लेगी। प्रेम को अपने कस्टमर्स को मना करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। उसे हमेशा अपने मिशन की टेंशन बनी रहती थी। रिया जब प्रेम की तरफ मुड़ी तो उसके चेहरे पर स्माइल वापस आ चुकी थी। मैंने उन सबको वापस भेज दिया डैडी। जब भी मैं गुस्सा होती हूँ तो वो लोग मुझसे डर जाते हैं, फिर कोई भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। रिया ने प्रेम की तरफ ऐसे देखा जैसे वो प्रेम की तारीफ का इंतजार कर रही हो। प्रेम ने स्माइल करके कहा, हाँ रिया बिल्कुल कमाल किया, और तुमने मेरी बहुत हेल्प की बेटा। तुम ना होती ना तो मैं इतना सब कुछ कभी मैनेज नहीं कर पाता। तुम्हारे कारण हमारा रेस्टोरेंट एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। रिया अभी जितनी क्यूट लग रही थी वो उसके गुस्से से कई गुना अच्छा था। कस्टमर्स उसके क्यूटनेस के ही दीवाने थे। रिया ने खुश होकर कहा, थैंक यू डैडी, मैं आपकी और भी हेल्प करूंगी। रिया ने प्रेम के हाथ से ग्लास ले लिया और पानी पीने लगी। फिर रिया ने अपनी गोदी में बैठी बिल्ली की तरफ देखा। पापा, क्या हम अगली डकलिंग को अपने साथ लेकर जा रहे हैं?
ये बहुत अगली है, शायद ये सौम्या मैम को डरा दे। क्या हम इसे घर पे छोड़ सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि इसे देखकर कोई डरे, और ऐसे में ये हमें भी ऑकवर्ड फील करवाएगी। बिल्ली तुरंत रोने लगी और रिया की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें भीगी हुई और दुखी दिख रही थी। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा, इसने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए इसे हम अपने साथ ही ले जाएंगे और रास्ते में इसके लिए थोड़ा सा मिल्क खरीद लेंगे। मुझे लगता है सौम्या को यह बिल्ली बहुत पसंद आएगी। ये बिल्ली किसी आदमी की हथेली से बस थोड़ी सी बड़ी होगी। प्रेम ने बिल्ली की तरफ देखा और कहा, ये तो एक क्यूट और छोटी सी ऑरेंज बिल्ली है, शायद अगले डकलिंग नाम सुनकर सौम्या को ज्यादा अच्छा ना लगे। वैसे वो आजकल अच्छे मूड में चल रही है, तो इस बिल्ली की क्यूटनेस देखकर उसे काफी अच्छा लगेगा। रिया ने सिर हिलाया, फिर वो अपनी बिल्ली की तरफ मुड़ी और बोली, जब हम सौम्या मैम से मिलेंगे तो तुम अपना चेहरा कवर कर लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें या स्कूल के बाकी बच्चों को डराओ। कितनी अगली हो तुम। अगली डकलिंग ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसे रिया की सारी बात समझ आ गई हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम को वो छोटी बास्केट मिल चुकी थी जो हब कलेक्टर ने उसे दी थी। प्रेम ने उसमें बच्चों की एक बॉटल और एक सॉफ्ट सी टॉवल भी रख ली, ताकि अगर रिया बिल्ली को गोदी में लिए हुए थक जाए तो उसे बास्केट में रख ले। इसके अलावा जो भी चीजें वो लोग रोड से खरीदेंगे वो सब भी बास्केट में रखा जा सकता था। प्रेम ने एक लंबी सी ग्रे कलर की गाउन पहन रखी थी जो इस दुनिया में बहुत कॉमन थी। ये बिल्कुल कुर्ते के जैसी ही थी, इसकी बनावट कुर्ते से बस थोड़ी सी अलग थी। इस दुनिया में खतरा चारों तरफ मंडराता रहता है, इसलिए हल्के और कंफर्टेबल कपड़ों में लड़ना और भागना दोनों ही आसान हो जाता था। प्रेम की लंबी गाउन सिस्टम ने स्पेशली बनाई थी। सिस्टम ने इसकी फिटिंग का खूब ध्यान रखा था। सिस्टम ने गाउन बनाने में जो कॉटन यूज किया था वो इस दुनिया के लिनन कॉटन से भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। प्रेम इस गाउन में बहुत अच्छा लग रहा था, और गाउन के ग्रे कलर के कारण वो ज्यादा मच्योर और रिस्पॉन्सिबल लग रहा था। बस उसके हाथ की छोटी सी बास्केट सारा मामला बिगाड़ रही थी। जब वो लोग पोशन शॉप के सामने से निकल रहे थे तो रिया ने काले कौवे और हरे तोते को हमेशा की तरह चिढ़ाया। अगली डकलिंग को काला कौवा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उछलकर रिया के घुटनों तक भी नहीं पहुंच सकती थी। फिर पिंजरे तक पहुंचने की तो बात ही दूर थी, जो कि प्रेम के सर से भी ऊंचा लटका था। अगली डकलिंग ने कौवे को देखकर गुर्रा दिया। प्रेम ने वसीम को देखकर स्माइल किया और रिया के साथ आगे बढ़ गया। पापा, क्या हम अभी स्कूल चल रहे हैं? रिया ने प्रेम की तरफ देखकर पूछा। प्रेम ने नामे सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे कुछ बिजनेस रिलेटेड काम निपटाना है, फिर उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। जॉब एजेंसी में एम्प्लॉय ढूंढने के अलावा भी प्रेम को बहुत से काम थे। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है पापा, अब जैसा कहे। अब रिया बस सौम्या मैम के लिए गाना गाने को बेताब थी, लेकिन वो अपने पापा की हर बात मानती थी, इसलिए उसने पापा की बात में हामी भर दी। इस दुनिया में जॉब एजेंसीज को जॉब फाइंडिंग सर्विसेज कहा जाता था। जब ककाओ गांव में अमीरी बढ़ी थी तब से एजेंसीज खुलना शुरू हो चुकी थी। उन्होंने वर्कर्स और कंपटीशन ढूंढने की सर्विसेज को अपग्रेड करते हुए खुद को इतना आगे बढ़ा लिया था कि अब वहां हर प्रोफेशन के लोग आसानी से मिल जाते थे। किसी को अगर नर्स चाहिए तो जॉब एजेंसीज वो भी प्रोवाइड करवाती थी। वो लोग एक जॉब फाइंडिंग सर्विस के सामने रुके जिसका नाम था ककाओ जॉब एजेंसी। ये जगह करीब 20 स्क्वायर फीट में फैली थी। बाहर दो लकड़ी के बोर्ड्स लगे हुए थे जिस पर बहुत सारे पेपर्स अटैच थे, और पेपर्स पर जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय डिटेल्स और सैलरी लिखी हुई थी। सारी सैलरीज निगोशिएबल थी। प्रेम ने पेपर को ध्यान से देखा। वर्कशॉप में वर्कर चाहिए थे और कंपटीशन वाले लोग अच्छे ग्रुप ढूंढ रहे थे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा कुछ और भी पेपर्स लगे हुए थे। वहां एक अलग से सेक्शन था जिसमें वेटर्स, वेट्रेस और नर्स के रिक्वायरमेंट के बारे में एडवर्टीजमेंट थी। वेटर वेट्रेस के लिए एवरेज मंथली सैलरी 3000 कॉपर के सिक्के और सारे मील्स फ्री, सुबह से रात तक काम। ये उन नौकरियों में से थी जिनमें काम बहुत था और सैलरी कम थी। ये सभी जॉब्स बहुत ही ऑर्डिनरी थी। प्रेम ने जैसे ही नीचे राइट कॉर्नर की तरफ देखा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। गर्लफ्रेंड की तलाश? बॉनी हो तो बेहतर, डेली सैलरी 500 के सिक्के, पेमेंट स्किल्स और प्रिटीनेस के हिसाब से नेगोशिएबल है। डीमन मसल मैन की तलाश जो बहुत डरावना दिखता हो और थर्ड लेवल के मैजिशियन के मैजिक अटैक्स के सामने आसानी से टिक रहे, जितना डरावना होगा उतना अच्छा। एक हैंडसम और लवली लड़के की तलाश, बौना या इंसान जो भी हो बस अच्छा दिखना चाहिए, दिमाग वाला हो और दिन में कम से कम 7 बार प्यार जता सके, डेली सैलरी कम से कम 10 सोने के सिक्के, स्किल के हिसाब से पेमेंट निगोशिएबल है।
क्या है ये सब? प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर की और सोचने लगा, क्या मजाक लगा रखा है? ये एजेंसी ऐसा गिरा हुआ काम भी करती है जिसमें ये लोगों को लड़का या लड़की प्रोवाइड करवाती है? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ इतने रेपुटेड काम के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें भी होती हैं। इन लोगों का क्या कोई स्टैंडर्ड नहीं है? इन्हें अपनी एजेंसी की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? ये लोग कैसे इतने बेफिक्र होकर इतना सब कुछ कर सकते हैं? मैं तो दिन रात बस अपने रेस्टोरेंट के रेपुटेशन के बारे में ही सोचता रहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक अपनी सर्विसेज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना ही किसी बात से अपने रेस्टोरेंट का डेकोरम बिगाड़ने दिया। हालांकि दिन अभी ठीक से निकला भी नहीं था, फिर भी इस जॉब फाइंडिंग एजेंसी में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। इंसान, दानव, डीमंस और यहां तक कि बौने भी यहां मौजूद थे। वो सभी ऐड से भरी दीवार की तरफ देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में कोई नंबर्स बुला रहा था। जिसका भी नंबर बुलाया जाता था वो अपनी बात सामने रखता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी यहां जॉब की तलाश में आए थे और वो सभी यहां अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खड़े थे। नौकरी की मारामारी हर जगह ही थी। प्रेम अचानक अपनी पिछली लाइफ की फ्लैशबैक में खो गया, जहां स्टूडेंट नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते थे लेकिन गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। प्रेम को लगा कि शायद इस दुनिया में भी काम मिलना आसान बात नहीं है, इसीलिए इतनी सुबह से लोग इतनी मारामारी कर रहे हैं। एक लड़की जॉब फाइंडिंग सर्विस की तरफ चलकर आई। उसने प्रेम को बड़ी खुश नजरों से देखा, लेकिन जब प्रेम ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो फिर उसने अपनी नजरें घुमा ली और स्पेशल सेक्शन की तरफ देखने लगी। तभी उसकी आंखें चमकने लगी। अरे वाह, ये काम तो शायद सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगी। मुझे लगता है इससे मैं एक दिन में 10 सोने के सिक्के आराम से कमा लूंगी। आज तो शायद मेरा दिन अच्छा है, आते ही मुझे मेरी पसंद का काम मिल गया। सुनो, मैं ये काम करना चाहूंगी, उसने दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा। आ रहा हूं, तुरंत जवाब में एक आवाज आई। फिर एक 30-40 साल की मूंछों वाला गंजा आदमी बाहर निकलकर आया। उसने पहले रिया और प्रेम की तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ जाकर स्माइल करके बोला, मैम मुझे लगता है आप अपने स्किल से एक रात में 15 सोने के सिक्के कमा लेंगी। अंदर आ जाइए और रजिस्टर कर लीजिए, हम आज ही क्लाइंट बता देंगे और शायद आप आज रात से ही काम शुरू कर सकेंगी। उस लड़की ने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू। फिर उसने प्रेम के सामने अपने लाल बाल लहराए और मटकती हुई अंदर चली गई। प्रेम ने उसके सस्ते परफ्यूम को स्मेल करके अपनी आंखें चढ़ा ली। प्रेम ने अपनी पिछली लाइफ में हर टाइप की लड़कियां देखी थी और उसे उन लड़कियों से बहुत चिढ़ थी जो बहुत मेकअप लगाती थी। उसे नेचुरल ब्यूटी के आगे मेकअप वगैरह सब कुछ फालतू लगते थे। जैसे जैसे प्रेम की एज बढ़ी, उसका औरतों को लेकर टेस्ट भी बदला। लेकिन जैसी औरत अभी उसके सामने से निकली थी, ऐसी औरतों को लेकर वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं हुआ। वो हमेशा ऐसी औरतों से दूर ही रहता था। उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थी। ये बस चटक मटक दिखाकर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी और उनसे पैसे निकलवाना चाहती थी। इसके पहले प्रेम जब दूध लेने बाहर गया था, एक और लड़की से मिला था। वो इस लड़की से ज्यादा अच्छी थी, फिर भी प्रेम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। प्रेम को शायद इतनी आसानी से लड़कियां पसंद नहीं आती थी। आज के जमाने के हिसाब से कहें तो प्रेम एक सख्त लौंडा था। रिया ने उस लड़की की तरफ अजीब से एक्सप्रेशन बनाकर देखा और अपना हाथ नीचे कर लिया। रिया के दिमाग में बातें चलने लगी। इस गोरी औरत ने तो मेरे पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश की। अगर वो थोड़ा भी करीब आने की कोशिश करती तो उसे मैं अपनी फायरबॉल का मजा चखाती। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ऋषभ है। मैं जॉब फाइंडिंग एजेंसी का ओनर हूं। आप यहां कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूं? उस गंजे आदमी ने प्रेम और रिया की तरफ स्माइल करते हुए कहा। वो रिया को देखकर चौंक गया और सोचने लगा, इस आदमी को देखकर लगता है कि ये बहुत अमीर है। इसकी आधी बौनी लड़की भी है। इसका मतलब ये बस अमीर नहीं, ये बहुत अमीर है। आफ्टर ऑल, एक इंसान को किसी बौनी लड़की से शादी करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और ये बहुत कठिन काम है। और इससे भी डिफिकल्ट काम है एक आधी बौनी लड़की के साथ खुलेआम घूमना। शायद इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं। तभी कोई भी इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा, वरना इस दुनिया में इतना रेसिज्म है कि कोई भी हाफ ब्लड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं अपने लिए एक वेट्रेस ढूंढ रहा हूं। पहले तो प्रेम को लगा था कि जॉब फाइंडिंग सर्विस काफी घिरी हुई जगह है,
लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि वो अभी दूसरी दुनिया में है। देखा जाए तो ये जगह इस चौराहे की घटिया जगहों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। ये एजेंसी काफी बड़ी थी, इसलिए शायद इनके रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा थे, और इस एजेंसी की कोशिश थी कि वो सभी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्टर नहीं लगाए थे और सभी के रिक्वायरमेंट्स को तवज्जो दी थी। ऋषभ ने सिर हिलाकर पूछा, क्या आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं? हमारे पास तीन टाइप की वेट्रेस है, एक जो नॉर्मल दिखती है, काफी मेहनत करती है और कम सैलरी लेती है, दूसरी जो थोड़ा अच्छी दिखती है, कम मेहनत करती है और ठीक ठाक सैलरी लेती है, तीसरी और आखिरी जो बहुत अच्छी दिखती है और बहुत ज्यादा पैसे लेती है। इस कैटेगरी में तीन स्पीशीज आती है, इंसान, असुर और बौने। ये बहुत कम काम करती हैं और इन्हें ज्यादा हैवी वर्कलोड पसंद नहीं होता। प्रेम ने आईब्रोज ऊपर कर ली, तो सैलरी यहां अच्छे दिखने के हिसाब से दी जाती है? प्रेम ने ऋषभ से पूछा और सोचने लगा। बहुत अच्छी दिखने वाली लड़कियों को अच्छी पेमेंट के लिए ज्यादा काम करने तक की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में अच्छी दिखने वाली लड़कियों को ही सारे फायदे मिलते हैं। एक सुंदर वेट्रेस से रेस्टोरेंट की अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर अगर वो असुर स्पीशीज की अच्छी दिखने वाली लड़की हो। वो बस ड्रिंक्स पर आपका प्रॉफिट डबल करवा सकती है, तो उन पर इन्वेस्ट करना हमेशा सही फैसला होगा, ऋषभ ने धीरे से कहा और स्माइल करने लगा। फिर आगे बोला, और तो और कुछ अच्छी दिखने वाली वेट्रेस को यंग रेस्टोरेंट ओनर के साथ अफेयर रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे में फिर तुम दो बहुत मेहनत करने वाली वेटर्स को काम पर रख लेना, सही रहेगा ना, है ना? प्रेम ने नामे सिर हिलाया। क्या मैं थोड़ी अच्छी दिखने वाली वेटर्स की फाइल्स देख सकता हूं? प्रेम अच्छी तरह से ऋषभ के कहने का मतलब समझ चुका था, लेकिन प्रेम कभी भी असुर लड़कियों से अपने कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रेम को असल में एक मेहनती वेट्रेस चाहिए थी। हाँ, उसे थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए था। अगर वेट्रेस प्रेम की रिक्वायरमेंट पर ठीक बैठती है तो प्रेम को ज्यादा सैलरी देने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तो अगर कोई एम्प्लॉय रखने से रेस्टोरेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो उसकी सैलरी कोई मायने नहीं रखती। उसे बस शक्ल दिखाने वाली वेट्रेस नहीं चाहिए थी जो किसी काम की भी ना हो। ऋषभ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाइए प्लीज। हमारा रिसेप्शन रूम दूसरे फ्लोर पर है, वहीं आप इन वेट्रेस की फाइल देख सकते हैं, आराम से देखिएगा। वो प्रेम और रिया को अपनी बिल्डिंग में अंदर लेकर जाने लगा। आधे घंटे बाद प्रेम रिया के साथ बहुत डिसअपॉइंटेड होकर बाहर आया। वहां भले ही बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी, लेकिन उनमें प्रेम की पसंद की कोई भी लड़की नहीं थी। या तो कोई लड़की बहुत बड़ी थी या बहुत सिंपल थी। उसे ऐसी कोई एम्प्लॉई चाहिए थी जो उसके रेस्टोरेंट की वाइब से मैच हो जाए। वो अपने गेस्ट का डाइनिंग एक्सपीरियंस अच्छा रखना चाहता था। ऋषभ उनके पीछे पीछे बाहर आया। प्रेम, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, जैसे ही मुझे कोई अच्छी एम्प्लॉई मिलती है तो मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूंगा। फिर स्माइल करते हुए ऋषभ ने सोचा, मुझे नहीं लगता कि यहां अपनी परेशानी दूर करने आया था, उल्टा इसने मेरी परेशानी बढ़ा दी। शायद मुझे इसे पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। इसने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया और बिना किसी काम के चला गया। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू। गुड बाय घोसला अंकल, रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऋषभ का चेहरा फड़कने लगा। गुड बाय, उसने स्माइल करके कहा और सोचा कि घोसला अंकल किस बला का नाम है। प्रेम और रिया ने मार्केट में जाकर अपनी बिल्ली के लिए थोड़ा भेड़ का दूध खरीद लिया और फिर वो लोग एक इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग शॉप पर चले गए जो एक इंसान चलाता था। ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी जैसी थी। प्रेम ने अमित और वसीम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ओनर को 10 सिक्कों में हायर कर लिया। अमित और वसीम, ये दोनों बुढ़े, रिया को अपने स्टूडेंट बनाना चाहते थे, इसलिए प्रेम पहले ही उन दोनों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहता था। प्रेम के पास खुद ये काम करने का टाइम नहीं था, वैसे भी इस काम के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करना खराब चॉइस नहीं थी। प्रेम को बस कुछ प्लेट राजमा चावल ही बेचने थे और वो इतने पैसे कमा लेगा जिससे वो एक डिटेक्टिव को पैसे दे सके, ताकि इसके लिए प्रेम को खुद यहां वहां ना घूमना पड़े। पापा, क्या अब हम स्कूल चल सकते हैं? रिया ने प्रेम की तरफ देखकर पूछा। अभी तक ये लोग दो जगहें घूम चुके थे और बिल्ली बस सोने ही वाली थी। अब रिया बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रही थी। उसे जल्दी से जल्दी अपनी सौम्या मैम से मिलना था। प्रेम ने स्माइल करके कहा, हाँ बिल्कुल, चलो अब स्कूल चलते हैं। प्रेम ने बिल्ली को बास्केट में रखने में रिया की मदद की। जैसे ही बिल्ली सॉफ्ट टॉवल से टच हुई, वो तुरंत बाहर निकल आई।
ककाओ गांव का स्कूल देवी मंदिर वालों के अंडर में चलने वाला एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। इसमें दो सेक्शन थे, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। बच्चे अपने स्किल्स और एज के हिसाब से दोनों सेक्शन में जाते थे। स्टूडेंट जिनकी एज 5 से 12 साल होती थी वो प्राइमरी सेक्शन में जाते थे। वहां बच्चे बेसिक नॉलेज से थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का नॉलेज गेन करते थे, वहां की लैंग्वेज सीखते थे और एरिथमेटिक भी सीखते थे। इसी दौरान उनके स्पेशल टैलेंट्स और स्किल्स भी यहां डेवलप किए जाते थे, जैसे कि मैजिक स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और कैलकुलेशन स्किल्स। स्कूल के सेकेंडरी सेक्शन में आने से पहले उनका टेस्ट होता था। जो बच्चे टेस्ट में पास हो जाते थे बस उन्हें ही सेकेंडरी सेक्शन में जाकर आगे पढ़ाई करने का मौका दिया जाता था। अगर वो 12 साल की उम्र तक आते आते टेस्ट पास नहीं कर पाते थे तो उन्हें मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ता था। इनफैक्ट हर 6 में से 5 बच्चे बाहर हो जाते थे। सेकेंडरी सेक्शन से ग्रेजुएट होने के बाद उनमें से बहुत से बच्चे देवी मंदिर वालों को ज्वाइन कर लेते थे। उनके स्किल्स और लॉयल्टी के कारण देवी मंदिर वालों का शासन और भी अच्छे से मेंटेन होने लगता था। प्रेम को इस एजुकेशन सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर ग्रेजुएट को यह राइट था कि वो चाहे तो देवी मंदिर वालों को ज्वाइन करे और चाहे तो ना करे। ये सिस्टम पूरी तरह से चॉइस के ऊपर बेस्ड था, किसी को भी काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा था। हालांकि इसके पहले उन्हें एक टेस्ट और पास करना होता था। यह सब कुछ देखकर प्रेम को अपनी पिछली लाइफ के सिविल सर्विसेज के एग्जाम याद आने लगी थी, क्योंकि इसमें भी 3 लेवल के एग्जाम होते थे और उसकी टफनेस बिल्कुल ऐसी ही थी। ककाओ गांव के स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि इन लोगों ने सबसे पहले इस गांव में नॉलेज लाने की शुरुआत की थी, वरना शायद इस गांव के लोग अनएजुकेटेड ही रह जाते। देवी मंदिर वालों की मेहनत के चलते कम से कम इस गांव के लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे थे। उनकी बदौलत यहां एजुकेशन की लहर चल पाई और लोग पढ़ लिख कर लाइफ में आगे बढ़ पाए। अलग अलग स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन होने के कारण इंसानी भाषा और बौनों की भाषा एक होने लगी थी। इस कारण कॉमन लैंग्वेज सामने आई और सबसे ज्यादा यूज भी होने लगी। भले ही ये बाकी स्पीशीज के लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए ऋतिक एक कबीले के सरदार का बेटा होने के बाद भी कॉमन लैंग्वेज में बड़ी मुश्किल से कम्युनिकेट कर पाता था। हर साल प्राइमरी सेक्शन में 1000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते थे और उनकी सालाना फीस बस 5 सोने के सिक्के ही लगती थी, जो बाकी स्कूल्स की फीस से बहुत ही कम थी, क्योंकि बाकी स्कूल में कम से कम 50 सोने के सिक्के सालाना फीस थी। देवी मंदिर वालों ने इतनी कम फीस में इसलिए एजुकेशन प्रोवाइड की ताकि गरीब घरों के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और लाइफ में तरक्की कर पाए। इसके अलावा अलग अलग स्पीशीज के स्टूडेंट इस स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। यहाँ एक इंसानी बच्चे के लिए एक डीमन के बच्चे के बगल में बैठना बहुत कॉमन बात हो चुकी थी और भी बाकी स्पीशीज के बच्चे ऐसे ही मिलजुल कर बैठते थे। ऐसा यूनिक सीन बस इसी स्कूल में ही देखने को मिलता था। ककाओ स्कूल ने सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी मिसाल यहां पेश की थी। यहां ना ही किसी से डिस्क्रिमिनेशन होता था और ना ही किसी टाइप का रेसिज्म। इतनी ज्यादा हार्मनी शायद ही कहीं और देखने को मिलती। सालों के डेवलपमेंट के बाद ककाओ गांव में शांति और सुकून आया था। यह सब देवी मंदिर और स्कूल के बिना पॉसिबल नहीं था। जब दो अलग अलग स्पीशीज के लोग रोड पर मिलते थे तो वो एक दूसरे को स्कूलमेट या क्लासमेट के तौर पर ही पहचान जाते थे। इस कारण यहां के लोगों के बीच की हेट्रेड धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। यहां के लोगों का एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा था। इन सभी एजुकेटेड लोगों ने भी ककाओ गांव में शांति बनाए रखने में बहुत मदद की थी। प्रेम और रिया ककाओ स्कूल के बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे और स्कूल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बूढ़ा आदमी और एक दानव स्कूल के गेट पर खड़े हुए थे और उन्होंने प्रेम और रिया को अंदर जाने से मना कर दिया। ये दोनों यहाँ के चौकीदार थे और हर स्कूल के चौकीदार की तरह ये भी खड़ूसी थे। अब शायद प्रेम और रिया को स्कूल खत्म होने के बाद ही सौम्या मैम से बात करनी होगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने को मिलेगा। प्रेम को तो कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा था, उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। प्रेम ने गेट के बाहर लगी बड़ी सी घड़ी पर नजर डाली। लगता है बहुत जल्दी आ गए, प्रेम ने कहा। अभी 10:30 हुए थे और अभी बस थर्ड लेक्चर ही चल रहा था। अब
अब प्रेम और रिया को 11:30 बजने का वेट करना पड़ेगा। रिया ने अजीब से दिखने वाले दानव की तरफ देखा और प्रेम के कपड़े खींचकर धीरे से बोली, पापा हम चुपके से अंदर जा सकते हैं। प्रेम को रिया की बात सुनकर सरप्राइज हुआ, चुपके से? रिया ने सिर हिलाया, हाँ यहाँ एक खुफिया रास्ता है, मैंने बहुत बार उसका यूज किया है। 10 मिनट चलने के बाद रिया प्रेम को एक जगह ले आई। प्रेम ने एक बड़ा सा छेद देखा जो मोटे से पेड़ की ब्रांचेस से कवर्ड था। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इतनी स्मार्ट हो। प्रेम और रिया उस खुफिया रास्ते से स्कूल में दाखिल हो चुके थे। पापा मुझे पता है सौम्या मैम कौन सी क्लास में होंगी, आप इस तरफ से आओ। रिया ने प्रेम की उंगली पकड़ी और बाएं तरफ जाने लगी। प्रेम को समझ आ चुका था कि रिया वाकई में सौम्या मैम से मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए चुपचाप प्रेम रिया के साथ चलता जा रहा था। रिया ने पहले भी यह सब देखा हुआ था इसलिए प्रेम को ज्यादा टेंशन नहीं थी। स्कूल पत्थर और लकड़ी की बनी थी। इस 2 मंजिला इमारत की दीवारों में चौकोर काले पत्थर लगे हुए थे। छत और सेकंड फ्लोर लकड़ी का बना था। 2 दीवारों के बीच में खिड़कियां थी जिससे ज्यादा सूरज की रोशनी अंदर आ सके। स्कूल की बिल्डिंग से पढ़ने वाले बच्चों की आवाज आ रही थी। पूरी बिल्डिंग पर स्काई ब्लू और ग्रास ग्रीन कलर से पेंट किया गया था। यह सब बहुत फ्रेश और रहने लायक लग रहा था। कुछ दीवारों पर बच्चों की बनाई तस्वीरें भी थी। ये सभी पेंटिंग्स अलग अलग कल्चर से बिलोंग करती थी। इससे ज्यादा हार्मनी शायद ही पूरे ककाओ गांव में कहीं देखने को मिलती हो। जिस आदमी ने भी देवी मंदिर बनवाया था वो बहुत ही विजनरी था। इन पेंटिंग्स में उस आदमी का देखा हुआ फ्यूचर साफ साफ दिख रहा था। उसने बस यही सोचा होगा कि एक ही छत के नीचे अलग अलग स्पीशीज के लोग साथ मिलकर रहे और अपने इमोशन शेयर करें। उन्हीं के विजन की बदौलत ये स्कूल बना और आखिरकार उस आदमी का सपना सच हो गया था। ककाओ गांव से शुरू होकर सबको एक साथ लाने का आइडिया हर जगह फैल चुका था। जब पूरे स्टेट में ऐसी चीजें होने लगेंगी तो स्पीशीज के बीच लड़ाई कभी दोबारा नहीं हो सकती। ये आइडिया प्रेम के आइडिया जैसा ही था। अगर सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो अलग अलग स्पीशीज से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और जब हाफ ब्लड इस पूरे राज्य का एक बड़ा हिस्सा हो जाएंगे तो उनके खिलाफ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। जब ये बात प्रेम के दिमाग में आई तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो सोचने लगा, शायद मैं एक नए युग की शुरुआत अपनी आंखों से देख सकता हूं, और अगर इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पापा आप हंस क्यों रहे हैं? रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। उसने थोड़ी देर तक सोचा और बोली, मुझे पता है आप भी सौम्या मैम को देख पाने के कारण खुश हो ना। हाँ शायद तुम सही हो। बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनकर प्रेम का मूड बहुत अच्छा हो चुका था और वो सोचने लगा, यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, जब नेक्स्ट ईयर तक रिया स्कूल आने लायक काफी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे यहीं पढ़ने भेजूंगा, घर पर रुकने की जगह वो यहाँ ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएगी। उसने अपना फायरबॉल मैजिक तो मास्टर कर ही लिया है तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई बुली कर पाएगा। अब तो मेरी बेटी किसी को भी मजा चखा सकती है, उसकी टक्कर का कोई है भी नहीं, और धीरे धीरे उसमें परफेक्शन भी आ जाएगा। रिया ने सिर हिलाया, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं पापा। फिर उसने अपने होठों पर उंगली रखी और एक कमरे की तरफ पॉइंट करके बोली, सौम्या मैम इसी क्लासरूम में पढ़ा रही होंगी, चलो धीरे से पास में चलकर देखते हैं। प्रेम ने सिर हिलाया और कुछ भी नहीं बोला। वो धीरे धीरे चलने लगा और रिया के पीछे पीछे खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की के नीचे काली पट्टी बनी हुई थी। रिया थोड़ी देर को हेजिटेट हुई लेकिन फिर वो उस पट्टी पर चढ़ गई। अब वो खिड़की के बराबर ऊंची हो चुकी थी। प्रेम ने पट्टी को बहुत सरप्राइज होकर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इस पट्टी को किसी ने बस रिया के लिए ही लगाया था। ये रिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। किसी और भी खिड़की के नीचे ऐसी कोई भी पट्टी नहीं थी। सौम्या की आवाज उस क्लासरूम से बाहर आ रही थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि वो किसी भी बच्चे का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। वो 1 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा रही थी। इनके पास 9 की टेबल या डेसिमल सिस्टम नहीं था, इसलिए इनके लिए मल्टीप्लिकेशन करना इतना आसान नहीं था। यहां तक कि प्रेम को भी सौम्या की 7 से 9 मल्टीप्लिकेशन करने की मेथड समझ नहीं आई। बेचारे बच्चे,
प्रिया सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रही थी और एक्साइटमेंट के कारण उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। प्रेम रिया के पीछे खड़ा था और ध्यान से सुन रहा था। प्रेम रिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज आई। प्रेम ने नीचे देखा तो बिल्ली ऑलरेडी उठ चुकी थी, लेकिन तभी वो रिया की तरफ देखते हुए रोने लगी। उसकी रोने की आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वो ऐसे रो रही थी जैसे आज रोकर ही अपनी सांस खत्म कर देगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। क्लासरूम में अचानक सन्नाटा फैल गया। सौम्या ने खिड़की की तरफ देखा और सोचने लगी कि आखिर किस जंगली बिल्ली ने उसके बच्चों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट किया है। लेकिन जैसे ही उसने रिया को देखा, उसकी आंखों में रौनक आ गई। वो जल्दी से दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। वो बहुत दिन बाद आज रिया से मिल रही थी, इसलिए वो रिया को देखकर बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी। उसकी आंखों में रिया के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। अरे ये तो रिया है, क्या बात है, तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद आए। खिड़की के पास बैठी एक लड़की ने रिया को देखकर कहा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। चुप रहो स्टूपिड लड़की, क्लास के टाइम मेरा नाम मत लो वरना सब मुझे ही देखने लगेंगे, रिया ने तुरंत जवाब दिया। तुम यहाँ फिर से आ गई, मुझे तुम्हें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जब भी आती हो डिस्टर्ब करती हो, खुद को तो पढ़ना नहीं है और हमें भी नहीं पढ़ने देती हो, एक शैतान बच्चे ने कहा। उस बच्चे के सिर पर घास उगी हुई थी। चुप करो घास के मैदान, नहीं तो मैं भी तुम्हारी घास उखाड़ कर फेंक दूंगी, बगल में बैठी लड़की ने गुस्से में कहा और उस शैतान बच्चे को घूरने लगी। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन फिर वो पीछे हट गया। अगली डकलिंग, रोना बंद करो वरना मैं तुमको रोस्ट कर दूंगी, रिया ने गुस्से से कहा। बिल्ली को इस सेंटेंस से तब से डर लगता है जब से वो अंडे में थी। जब अगली डकलिंग अंडे में थी तब रिया ने ऐसी ही धमकियां दे देकर उसे अंडे से बाहर निकाला था, और अब तो इस बिल्ली ने रिया की फायरबॉल का कमाल भी देख लिया था, इसलिए वो रिया के केस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। रिया का कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकती थी। अगली डकलिंग को कुछ ही दिनों में रिया का बिहेवियर समझ आ चुका था। वो तुरंत चुप हो गई और अपने बास्केट में छुपकर कांपने लगी। प्रेम ने बिल्ली के बालों में हाथ फेर कर उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। रिया हर बार अपनी बिल्ली को इतना डरा देती थी कि बेचारी बिल्ली हमेशा दुबक कर रह जाती थी। रिया ने अपनी बिल्ली से इतनी बार भून देने की बात कह दी थी कि शायद भूने जाने वाली बात हमेशा बिल्ली के दिमाग में बनी रहेगी। सौम्या एक चौक लेकर स्माइल करती हुई क्लास के बाहर आई। रिया तुम? जैसे ही सौम्या ने प्रेम की तरफ देखा, उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। सौम्या मैम, मैं यहाँ आपको देखने और क्लास अटेंड करने के लिए आई हूँ, मैं आपके लिए गाना भी गाना चाहती हूँ, रिया ने सौम्या से बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने क्लासरूम को देखा और थोड़ी सी अपसेट हो गई। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने क्लास डिस्टर्ब कर दी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसे यहां लाया और मैं बिल्ली के लिए भी माफी चाहता हूं, प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए सौम्या से माफी मांगी। सौम्या नीले रंग की ड्रेस और वही पुराना सफेद रंग का गोल्डन लिली फ्लावर के एम्ब्रॉयडरी वाला सिल्की स्कार्फ पहनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्कार्फ उसे बहुत पसंद हो। इसके पहले भी जब सौम्या प्रेम के रेस्टोरेंट में आई थी तब भी उसने यही स्कार्फ पहना था, और आज फिर से वो सेम स्कार्फ ही पहने थी। जब सौम्या ने रिया की तरफ देखा तो उसने हल्का सा स्माइल किया। तुम चिंता मत करो, ये बिल्ली भी मेरी क्लास के बच्चों जैसी है, मेरी क्लास के बच्चे भी इतना ही शोर मचाते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि मछली बाजार में आ गई हूं मैं। तुम्हें आए बहुत दिन हो गए ना, और सभी बच्चे तुम्हें मिस कर रहे थे, सौम्या ने रिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। फिर उसने रिया के पापा की तरफ देखा जो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे थे। सौम्या ने रिया का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, अंदर आओ, हम सभी को अपनी छोटी दोस्त के बारे में बताओ, फिर मेरे और क्लास के लिए गाना गाना। प्रेम ने सौम्या की तरफ देखा। अभी सौम्या का चेहरा प्यार से भरा हुआ था। उसके इस एनकरेजमेंट को देखकर प्रेम इमोशनल हो गया। सौम्या वाकई में एक अच्छी टीचर थी, वो अपने बच्चों की एक एक बात का बहुत ख्याल रखती थी, खासकर रिया का। सौम्या रिया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तभी हर वक्त उसे रिया की परवाह रहती थी।
सौम्या की बात सुनकर रिया की आंखों में रौनक आ गई। क्या सच में? रिया पट्टी से उतर गई और सौम्या का स्माइलिंग फेस देखने लगी। फिर उसने बिल्ली को बास्केट से बाहर निकाला और प्रेम की तरफ मुड़ गई। पापा मैं, प्रेम ने भी रिया को एनकरेज करते हुए स्माइल दी। जाओ बेटा, तुम कर सकती हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम बहुत अच्छा गाओगी। तुम्हें अगर अगली डकलिंग को साथ ले जाना है तो उसे भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से गाना, बेस्ट ऑफ लक। मैं यही बाहर खड़ा होकर तुम्हारा गाना सुनूंगा। सौम्या ने प्रेम की तरफ देखा और सरप्राइज होकर सोचने लगी। अपने बच्चे को लेकर इतना सेंसिटिव होना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। इसे पता है किसकी बेटी को क्या चाहिए और उसे कैसे इनकरेज करना चाहिए। प्रेम को देखकर सौम्या को उस दिन के खाए राजमा चावल की याद आ गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हालांकि सौम्या थोड़ी घबरा गई थी, उसने जो शाही कबाब और राजमा चावल खाए थे वो दोनों ही उसे बहुत अच्छे लगे थे। सौम्या को जितने पैसे अपने घर से मिलते थे, अगर वो इन पैसों को बच्चों पर खर्च ना करती तो शायद वो एक और बार दोनों डिश ट्राई कर सकती थी। प्रेम वाकई में एक बहुत अच्छा कुक था। सौम्या ने पहले कभी भी इतनी अच्छी डिश नहीं खाई थी। इतने टेस्टी फूड के बारे में सोचते ही सौम्या के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, रिया ने कहा। प्रेम के एनकरेजमेंट से रिया के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ चुका था। तभी वो सौम्या के साथ क्लासरूम के अंदर चली गई। प्रेम खिड़की के पास खड़े होकर स्माइल करते हुए रिया को पर्पल ड्रेस में एक हाथ में अगली डकलिंग को पकड़े हुए देख रहा था। अब रिया पहले जैसी शर्मीली लड़की नहीं थी, वो पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। प्रेम ने रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारे स्किल सिखाए थे। प्रेम हमेशा कोशिश करता था कि वो अपनी बेटी का हर चीज में पूरा सपोर्ट करे और हमेशा रिया को उसके मन की चीज दे पाए। आप सभी ने भी रिया को बहुत दिनों से नहीं देखा था ना, आप लोगों ने उसे मिस किया? सौम्या ने बच्चों से स्माइल करते हुए पूछा। हाँ मैंने किया, खिड़की के पास बैठी लड़की ने तुरंत चिल्लाकर कहा। आज उसे रिया पहले से काफी अलग लग रही थी, क्योंकि उसने सुंदर ड्रेस पहनी थी और नई हेयर स्टाइल बनाई थी। उसके बगल वाले लड़के ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं किया। लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें रिया से हटा नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में रिया को देखकर कई ख्याल आने लगे। ये सडनली इतनी प्रेटी कैसे हो गई, ये तो बिल्कुल डॉल के जैसे दिख रही है। बाकी बच्चे भी रिया को क्यूरियस होकर घूर रहे थे। रिया पहले काफी अजीब हुआ करती थी और उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि रिया सडनली इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई, वो तो एक बौनी लड़की से भी सुंदर दिख रही थी। जब बच्चों ने रिया के हाथ में अगली डकलिंग को देखा, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई और वो सोचने लगे, ये कितनी फ्लफी है, कितनी छोटी और कितनी क्यूट। उन बच्चों को अगली डकलिंग को हाथ से पकड़ने का मन करने लगा। वो उसके बालों में हाथ फेरना चाहते थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठा नहीं। रिया की अगली डकलिंग व्हाइट और ऑरेंज कलर की थी, जो कि देखने में ब्लैक और व्हाइट बिल्लियों से भी ज्यादा क्यूट लगती थी। पहली बार रिया को सभी ने इतना एडमायर किया था, आज पहली बार बच्चे उससे जेलस फील कर रहे थे। रिया थोड़ी नर्वस तो थी, लेकिन बहुत खुश थी। अब बच्चे उसे डिस्क्रिमिनेशन वाली नजरों से नहीं देख रहे थे। रिया को देखकर सौम्या भी स्माइल कर रही थी। सौम्या ने कई बार रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती थी और रिया हर बार और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कम कॉन्फिडेंट हो जाती थी। बच्चे रिया को बहुत चिढ़ाते थे और रिया कुछ भी नहीं कर पाती थी। कुछ ही दिनों में रिया कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, न सिर्फ बाहर से बल्कि वो अब अंदर से भी बदल चुकी थी। रिया पहले से ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगी थी। अब रिया को बाकी लोगों से अलग दिखने की भी कोई चिंता नहीं थी। पहले बच्चे रिया को उसके अलग दिखने के कारण चिढ़ाते थे, लेकिन अब रिया खुद से प्यार करने लगी थी और खुद को लेकर उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। इसी कारण से अब किसी को भी रिया में कोई खामी नहीं दिखती थी। रिया के अंदर ये सारे चेंजेस और किसी ने नहीं बल्कि उसके पापा प्रेम ने ही लाए थे। सौम्या को प्रेम का स्वभाव एकदम से बदला हुआ नजर आने लगा था, जैसे उसे अचानक ही रिया की परवाह होने लगी हो, जबकि पहले प्रेम को रिया की कोई खास परवाह नहीं थी। सौम्या ही रिया का सारा ख्याल रखा करती थी। रिया आज अपने साथ एक नई दोस्त लाई है और वो हमारे लिए एक गाना भी गाना चाहती है, सौम्या ने रिया को एनकरेज करते हुए कहा। ये अगली डकलिंग है मेरी। फिर वो थोड़ी देर को रुक गई। रिया सोचने लगी कि आखिर ये बिल्ली उसके लिए है क्या। पापा ने कहा था कि ये बड़ी होकर आंच बन जाएगी, ये मेरी पेट है।
बिल्ली को हाथ में पकड़े हुए रिया ने कहा, अगली डकलिंग। बच्चे बहुत सरप्राइज हो गए थे। उन्होंने रिया के हाथ में बैठी बिल्ली को घूरा और उन्हें समझ नहीं आया कि उस क्यूट सी बिल्ली में ऐसी कौन सी चीज अगली है जिसके कारण रिया उसे अगली कहती है। बच्चे सोच में पड़ गए। ये तो कोई डक जैसी भी नहीं लगती, फिर रिया इसे डकलिंग क्यों कह रही है? डकलिंग तो डक के बच्चे को कहते हैं, ये तो एक बिल्ली जैसी लग रही है, और ये बड़े होकर हंस कैसे बन जाएगी? इसका नाम अगली डकलिंग क्यों है? खिड़की के पास बैठी साक्षी ने पूछा। क्योंकि ये बहुत अगली है, रिया ने तुरंत साक्षी के सवाल का जवाब दिया। फिर उसने आगे कहा, ये एक अंडे से बाहर आई थी। पापा और मैंने ये अंडा एक हब कलेक्टर से खरीदा था। मैंने इसे बार बार एनकरेज किया, तब जाकर ये अंडे से बाहर आई थी। मैंने पहले कभी भी ऐसी अगली डकलिंग नहीं देखी थी। ये अंडे से बाहर आई थी, अगर ये सच में अगली डकलिंग है तो ये वाकई में बहुत अगली है। हाँ, ये थोड़ी अजीब सी दिखती है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बिल्ली के जैसी दिखती है, लेकिन ये बाकी बिल्लियों से बहुत अलग है। ये काफी क्यूट है। रिया का एक्सप्लेनेशन सुन के सभी बहुत जल्दी मान गए कि ये अगली डकलिंग ही है। वो सोचने लगे, ये एक डकलिंग है लेकिन ये बिल्ली जैसी दिखती है, इसलिए वाकई में एक अच्छी दिखने वाली डकलिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन ये क्यूट है। अगली डकलिंग का मुंह बन चुका था। सौम्या ने रिया की गोदी में बैठी बिल्ली को गौर से देखा। वो इतनी फ्लफी और क्यूट थी कि सौम्या भी उसे पकड़ना चाहती थी। सौम्या भी थोड़ी देर उसे गोदी में लेना चाहती थी, लेकिन उसने क्लास के सामने ऐसा नहीं किया। सौम्या को वो अगली डकलिंग बिल्ली जैसी ही लग रही थी। भले ही रिया इसके बारे में कुछ भी कह रही हो, लेकिन सौम्या को नहीं लगता था कि ये बड़ी होकर हंस बनेगी। सौम्या को यहाँ प्रेम गलत लगा। उसके हिसाब से प्रेम को रिया को सच सच बता देना चाहिए था कि यह अगली डकलिंग नहीं है। सौम्या को ये बात थोड़ी समझ नहीं आई कि आखिर प्रेम ने रिया के साथ ऐसा क्यों किया। मैं तुम लोगों के लिए और सौम्या मैम के लिए गाना गाना चाहती हूँ। बच्चे जिस तरह रिया को देख रहे थे, इससे रिया का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। रिया अब बहुत अच्छे से गाना गाने को तैयार हो चुकी थी। उसने इस गाने की प्रैक्टिस भी बहुत बार कर ली थी। प्रेम ने जब से उसे म्यूजिक बॉक्स दिया था, तब से वो बस एक ही गाना लगातार सुन रही थी। रिया ने खिड़की के बाहर खड़े प्रेम को स्माइल करते हुए देखा और आगे बोली, इस गाने का नाम है लकड़ी की काठी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गाना भी गा सकती है। साक्षी के बगल में बैठे शिवम ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, लेकिन जैसे ही साक्षी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, वो तुरंत चुप हो गया। पर उसे अभी भी नहीं लग रहा था कि रिया गाना गा सकती है। चलो रिया, अब शुरू भी करो, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, अब जल्दी से गाना गाओ, सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, रिया ने गाना गाना शुरू किया। रिया बहुत ध्यान से गा रही थी और अपनी गोद में अगली डकलिंग को पकड़े थी। उसने जैसा सीखा था ठीक वैसे ही वो गाने को गा रही थी। उसने गाने की ट्यून को अच्छे से सीख लिया था, इसलिए उसका गाना बिल्कुल परफेक्ट था। उसे गाने के लिरिक्स भी अच्छी तरह याद हो चुके थे। सभी बच्चे रिया की आवाज और रिया के गाने की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो चुके थे। गाना सुनकर वो सभी बिल्कुल खो चुके थे और उन सभी के चेहरों पर स्माइल आ चुकी थी। प्रेम ने रिया के गाने में खोए बच्चों को देखा और फिर रिया को देखा। प्रेम को बहुत प्राउड फील हो रहा था, उसे अपनी बेटी बहुत अमेजिंग लग रही थी। प्रेम ने आज पहली बार रिया से पूरा गाना सुना था। रिया ने बिना किसी मदद के आज गाना गा लिया था। रिया की बचपने से भरी आवाज कानों के लिए एक ट्रीट के जैसी थी। इनफैक्ट वो म्यूजिक बॉक्स से भी अच्छा गा रही थी। शानदार, शिवम ने कहा। गाना सुनते ही उसकी आंखें वाइड हो गई थी। उसके सिर के ऊपर उगी घास यहां वहां हिलने लगी थी। रिया तो कमाल की है, साक्षी ने कहा। उसे रिया की आवाज से प्यार हो गया था। बाकी बच्चों के चेहरों पर भी ऐसे ही एक्सप्रेशंस थे। वो सभी रिया के अंदर हुए सडन चेंज को देखकर काफी सरप्राइज थे। रिया अब बहुत बदल चुकी थी। सौम्या को भी ये देखकर सरप्राइज हुआ और उसने सोचा, ये कितना अच्छा सॉन्ग है, लेकिन मैंने पहले कभी इसे नहीं सुना, क्यों?
क्या ये यहीं के बच्चों का कोई गाना है? इसकी ट्यून बहुत अच्छी थी और इसके लिरिक्स भी काफी अच्छे से लिखे गए थे। सौम्या को लगा था कि रिया वही गाना गाएगी जो सौम्या ने उसे सिखाया था, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिया ऐसा गाना गाएगी जिसकी ट्यून तक सौम्या ने ना सुनी हो। सौम्या को कुछ समझ नहीं आया तो वो प्रेम की तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि क्या प्रेम ने रिया को यह गाना सिखाया था। सौम्या को प्रेम में भी काफी चेंजेस नजर आने लगे थे। वो पहले से ज्यादा हेल्दी हो चुका था, अब वो रिया की देखभाल करने लगा था, उसकी हेयर स्टाइल्स बनाने लगा था और सबसे बड़ी बात, प्रेम अब बहुत डिलीशियस फूड कुक करने लगा था। इतना सब कुछ देखकर सौम्या भी थोड़ी शॉक में थी। उसे लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ऐसा क्या मैजिक हुआ कि प्रेम इतना बदल चुका था। उधर जैसे ही रिया ने गाना बंद किया, रिया ने बच्चों की तरफ घबराते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि आखिर उसने कैसा परफॉर्म किया था। शाबाश रिया, शिवम ने तालियां बजाते हुए कहा। फिर बाकी बच्चों ने भी तारीफ की और सभी तालियां बजाने लगे। रिया खुश होकर स्माइल करने लगी। ये पहली बार था जब रिया के इतने सारे लोगों ने एक साथ तारीफ की थी और वो सभी लोग रिया के ही साथी थे, वही साथी जो पहले रिया को चिढ़ाया करते थे लेकिन अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब देखकर रिया बहुत खुश हो चुकी थी। सौम्या ने भी स्माइल करते हुए सिर हिलाया। हाँ रिया, वाकई में तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस का शुक्रिया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, तुम्हारे गाने की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रिया ने खुश होकर सिर हिलाया। थैंक यू। फिर रिया ने ब्लैकबोर्ड पर लिखे सवाल की तरफ देखा। वो थोड़ी देर को हेजिटेट हुई लेकिन फिर उसने सौम्या से कहा, सौम्या मैम, मैं इस मल्टीप्लिकेशन के सवाल का जवाब जानती हूं। रिया ने सौम्या की तरफ देखकर कहा। सौम्या थोड़ी देर को फ्रीज हो गई। क्या वाकई? उसने बोर्ड पर 7x8 लिखा देखा और सोचने लगी, मैंने सभी बच्चों को आज ही इस मल्टीप्लिकेशन के बारे में सिखाया है, ये तो बहुत टफ है। बस कुछ ही बच्चे जिन्हें एरिथमेटिक बहुत अच्छे से आती थी वही बस इस सवाल को सॉल्व कर पाए थे। रिया तो यहां स्कूल में आती भी नहीं इसलिए उसे इसका जवाब पता होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये तो कह रही है कि ये सवाल का जवाब जानती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये बात सच हुई तो वाकई कमाल की बात होगी, क्या रिया ने वाकई में इतनी प्रोग्रेस कर लिया है? मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे बनेगा, ये तो बहुत कठिन है, बस मुझे बताए कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे आगे की रो में बैठे सफेद और नीले कपड़े पहने एक छोटे से लड़के ने बहुत घमंड के साथ कहा, मुझे तो ये बहुत आसान लगता है, तुम्हें ये कठिन लगता होगा, मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है। रिया ने उस लड़के को देखकर बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता, अगर ऐसा है तो सॉल्व करके दिखाओ। उस लड़के ने बिना रुके कहा। बोर्ड पर जो सवाल लिखा था वो क्लास के बहुत कम बच्चे ही सॉल्व कर पाए थे लेकिन रिया ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि वो ये सवाल सॉल्व कर सकती है। किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। सभी बच्चों के चेहरों पर एक जैसे एक्सप्रेशन थे और सभी सोच रहे थे, रिया ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकती, ये सवाल तो सिर्फ सौम्या मैम या फिर प्रशांत जैसे मैथ के जीनियस बच्चे ही कर सकते हैं। हाँ, उन्हें ही पता है किसे कैसे किया जाता है, रिया ने तो आज की क्लास में ये सीखा भी नहीं, वो तो स्कूल भी नहीं आती। हाँ, फिर तो से सवाल बन ही नहीं सकता। प्रेम को इन बच्चों की बातें बहुत सरप्राइजिंग और एंटरटेनिंग लगी। रिया ने ऑलरेडी 9 की टेबल को मास्टर कर लिया था तो उसके लिए ये सवाल सॉल्व करना बहुत आसान था। प्रेम बड़ी शांति से सारा तमाशा एंजॉय कर रहा था, वो बस कमाल होने का वेट कर रहा था। अब किसी भी पल बाकी बच्चों को 9 की टेबल की पावर समझ में आने वाली थी। रिया अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी और सौम्या नहीं चाहती थी कि उसका कॉन्फिडेंस पहले के जैसा हो जाए। अगर रिया घमंड में आकर कुछ उल्टा कर बैठी तो सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसका जवाब है 56। रिया ने बहुत काम होकर प्रशांत को देखते हुए कहा, क्या इसने तो सही जवाब बता दिया। बच्चे सोचने लगे। सौम्या ने अभी उन्हें जवाब नहीं बताया था इसलिए वो सभी प्रशांत और सौम्या मैम की तरफ देख रहे थे। प्रशांत तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। कैसे 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 किया तुमने, ये कैसे किया, ये तुम्हें कैसे पता चला? उसने पहले रिया की तरफ देखा,
और फिर अपनी नोटबुक में आंसर की तरफ। वो बहुत चौंक गया था। रिया ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, कैलकुलेशन करके मैंने तो पहले ही कहा था ये बहुत इजी है और इसे तो मैं नींद में भी सॉल्व कर सकती हूं। आंसर है 56। सौम्या भी कम शौक में नहीं थी। उसे पता था कि रिया पढ़ने में बाकी बच्चों से अच्छी थी, लेकिन सौम्या को लगता था कि फिलहाल रिया इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पर रिया ने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया था। सौम्या को लगा जैसे प्रेम ने रिया को क्वेश्चन का जवाब बता दिया था। शानदार, रिया ने तो बिल्कुल सही जवाब बता दिया, साक्षी ने खुश होकर कहा। शिवम ने रिया को बहुत अजीब तरीके से देखा। वो रिया को ऐसे देख रहा था जैसे वो पहली बार उसे देख रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया प्रशांत के जितनी होशियार कैसे हो गई। जैसे ही सौम्या ने बच्चों को सही जवाब बताया था, उन सभी के चेहरों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो सोचने लगे, हमें तो इस क्वेश्चन का जवाब तक नहीं पता था और रिया ने बस देखकर इसका जवाब बता दिया। ये तो प्रशांत से भी ज्यादा होशियार है, इसने तो आज कमाल ही कर दिया है। पहले उसने इतना अच्छा गाना गाकर सुनाया और अब कुछ ही सेकंड्स में मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं इस पर भरोसा नहीं करता, इसने तो बस तुक्का लगाया है और हवा में लाठी चलाकर इसका जवाब सही हो गया है, प्रशांत ने कहा। सौम्या मैम, हमें 5 क्वेश्चन और दीजिए, फिर देखते हैं कौन क्वेश्चन के आंसर जल्दी निकाल के बताता है। प्रशांत को लगने लगा कि उसकी मैथ जीनियस की पोजीशन अब खतरे में आ चुकी है। जैसी तुम्हारी मर्जी, रिया ने कहा। सौम्या सिचुएशन को ठीक करना चाहती थी। उसने प्रेम की तरफ देखा जो कि शांति से खड़ा था। फिर उसने थोड़ी देर बाद अपना सिर हिला दिया। फिर सौम्या ने 5 मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। प्रशांत ने ब्लैक बोर्ड पर लिखे 5 क्वेश्चंस को देखा और कॉन्फिडेंट होकर रिया से कहा, मैं 3 तक काउंट करूंगा और फिर हम शुरू करेंगे। जो सबसे जल्दी आंसर बताएगा वो जीत जाएगा। 1, 2, 3। 64, 42, 72, 48, 63। मैंने कर लिया, रिया ने बोर्ड की तरफ देखते हुए बहुत काम होकर कहा। प्रशांत ने अभी बस 3 तक काउंट ही किया था। इसके पहले कि वो अपना मुंह भी बंद कर पाता और क्वेश्चंस लिख पाता, रिया ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था। सबके सब एकदम शॉक्ड हो गए थे। किसी के पास भी कुछ कहने को नहीं बचा। पूरी क्लास में सन्नाटा फैल गया। बच्चों को पता नहीं था कि रिया ने सारे आंसर सही बताए हैं या नहीं, लेकिन रिया वाकई में प्रशांत से बहुत तेज थी। रिया ने प्रशांत के कैलकुलेशन शुरू करने के पहले ही जवाब दे दिए थे। वो सभी अपने टीचर की तरफ देख रहे थे और उनके सही जवाब बताने का वेट कर रहे थे। सभी को अब बेसब्री से इंतजार था कि कब उनकी सौम्या मैम सही जवाब बताएं और उन्हें पता चल जाए कि क्या वाकई रिया प्रशांत से भी ज्यादा होशियार है या ये सब बस आंखों का धोखा है। क्या अभी अभी तुमने कुछ रैंडम नंबर्स बोले, प्रशांत ने चौंक कर पूछा। मैंने सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करके उनके जवाब बताए, रिया ने सीरियस होकर कहा और सौम्या की तरफ देखने लगी। सौम्या ने बोर्ड की तरफ देखा और आंसर बताते हुए बोली, 64, 42, 72, 48, 63। रिया के सारे जवाब सही हैं। ऐसा कहते वक्त सौम्या की आवाज चौंक जाने के कारण बहुत तेज थी। हालांकि ये सभी प्रॉब्लम सौम्या के लिए इजी थी, लेकिन उसे भी एक बार आंसर बताने के पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ा था। रिया ने तो एक बार सोचा भी नहीं था और सारे आंसर बता दिए थे, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही मालूम था। एक जीनियस इतनी तेजी के साथ कैलकुलेट कर सकता था। इतनी कम एज में रिया का इतना तेज दिमाग होना कोई आम बात नहीं थी। बहुत रेयर बच्चों के पास ही ऐसे स्किल्स होते हैं। रिया तो वाकई कमाल है, उसने तो आग झपकते ही 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, साक्षी ने कहा। उसने अभी अभी वो बात कह दी थी जो सारे बच्चे कहना चाहते थे। प्रशांत भी अच्छा था, लेकिन अब सभी को रिया उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल लगने लगी थी। रिया ने पहले गाना गाकर सुनाया, उसके बाद उसने क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर 5 क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे रिया के अंदर कोई स्पेशल पावर्स आ गई हो, जिससे उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलने लगा हो। अरे बाप रे, मैं इसके साथ अब नहीं खेलूंगा। सभी पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा ही होशियार बनते हैं,
ये लड़की अब बात बात पर अपनी होशियारी झाड़ेगी। अब इसके साथ खेलना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। शिवम ने डरते हुए कहा और डिसअपॉइंटेड होकर अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर तक प्रशांत ने कुछ भी नहीं कहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं हार गया। प्रशांत के पापा प्रशांत से हमेशा कहते थे कि हारो या जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदमी को हमेशा एक आदमी के जैसे ही बिहेव करना चाहिए, खासकर जब वो किसी औरत के सामने खड़ा हो तब। प्रशांत अपने पापा की इस बात पर सोचने लगा। पापा खुद को कंफर्ट करने के लिए ऐसा कहते होंगे, क्योंकि वो मेरी मम्मी से पिटते रहते हैं और उनकी खुद की हिम्मत नहीं होती कि वो मम्मी को कुछ बोल पाए। फिर भी मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। रिया ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, तुम हार गए। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। उसकी टोन से प्रशांत और भी फ्रस्ट्रेट हो गया। सभी बच्चे रिया के बारे में सोच रहे थे। ये तो वाकई बहुत इनक्रेडिबल है, एक जल्दी सी लड़की अब प्रशांत से भी होशियार हो गई है। इसने तो आज प्रशांत का मुंह ही बंद कर दिया। बेचारा शर्म के मारे अपना सिर ऊपर भी नहीं कर पा रहा है, बड़ा होशियार बनता था। इसे लगता था जैसे इसकी टक्कर का कोई बच्चा ही नहीं है, अब देखो रिया ने इसे क्या धूल चटाई है। प्रेम बाहर खड़े खड़े स्माइल कर रहा था और सोच रहा था कि उसकी नाइन की टेबल का वाकई कोई जवाब नहीं था। फिर उसने प्रशांत को देखा और सोचने लगा। इसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसे कहां देखा है। कहां देखा होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसे कहीं तो देखा है। तभी स्कूल की घंटी बजी। ठीक है, क्लास खत्म हो गई, सौम्या ने कहा। वो क्लास को और लंबा स्ट्रेच नहीं करना चाहती थी। सारे बच्चे दौड़ लगाकर क्लास से बाहर निकल गए। फिलहाल सौम्या के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसने रिया का हाथ पकड़ा और क्लास से बाहर आ गई। मुझे माफ करना प्रेम, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, सौम्या ने कहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम मेरे ऑफिस में बैठकर बात कर सकते हैं? मेरे दिमाग में फिलहाल बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ये सवाल पूछ लेने चाहिए। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाया। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, चलिए आपके ऑफिस में चल के बात करते हैं। प्रेम के पास भी सौम्या के लिए कुछ सवाल थे। जैसे ही वो लोग ऑफिस में पहुंचे, सौम्या ने रिया को एक कैंडी दे दी और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। रिया कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी मस्ती में खो गई। अब सौम्या अपने सवालों को अपने अंदर नहीं रख पा रही थी। रिया ने इतने कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे सीख लिया? मैंने पहले भी उसे मल्टीप्लीकेशन टेबल सिखाई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे टर्म्स थे, उसे वो सारे याद ही नहीं हुए थे। रिया उस मल्टीप्लीकेशन टेबल का यूज करके इतनी जल्दी इन सवालों को सॉल्व ही नहीं कर सकती थी। तुम्हें बताओ ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर उसने मेरी सिखाई मल्टीप्लीकेशन टेबल यूज नहीं की तो आखिर उसने ये सवाल कैसे सॉल्व किए? मैंने उसे नई मल्टीप्लीकेशन टेबल सिखाई थी और नया न्यूमेरल सिस्टम भी। ये बहुत इजी होता है और इसलिए रिया ने काफी जल्दी उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये काम किया था, लेकिन रिया ने बहुत जल्दी ये टेबल सीख ली और अब वो उसमें मास्टर हो चुकी है, इसलिए वो चुटकियों में कोई भी मल्टीप्लीकेशन का सवाल कर सकती है। प्रेम ने झूठ नहीं बोला क्योंकि उसे सौम्या पर भरोसा था और उसे ऐसी बात छुपाने की कोई जरूरत भी समझ नहीं आई जिसको छुपाने से उसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। प्रेम को इस दुनिया में नाइन की टेबल का राज कायम करने में बहुत खुशी होती। लोग धीरे धीरे इस टेबल को सीखते और प्रेम की काबिलियत का लोहा मानने लगते। शायद सभी को एक करने के लिए ये चीज भी बहुत हद तक काम करती। प्रेम की बात सुनकर सौम्या की आंखें चमक उठी। एक नया न्यूमरल सिस्टम? सौम्या को लगा जैसे रिया ने प्रेम के गाइडेंस में इन दिनों बहुत पढ़ाई कर ली है। इतनी ज्यादा पढ़ाई कि एरिथमेटिक अब उसके लिए बच्चों के खेल जैसी हो गई थी। सौम्या सोच रही थी कि अगर वाकई में इतना इजी कोई न्यूमरल सिस्टम है तो मैथमेटिक्स की दुनिया में ये एक माइलस्टोन साबित होगा। सौम्या के हाथ एक्साइटमेंट के कारण शेक होने लगे थे। प्रेम, क्या ये सिस्टम यूनिवर्सल है? मेरा मतलब है, क्या ये हर जगह एक जैसा अप्लाई होता है या इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है? सौम्या ने प्यार से पूछा। प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये यूनिवर्सल है, अभी तक तो मुझे इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। प्रेम सोचने लगा। ये सिस्टम सालों से पृथ्वी पर यूज हो रहा है तो ऑफकोर्स ये यूनिवर्सल ही हुआ, लेकिन सौम्या पर रिलाय होकर इस सिस्टम को फैलाना तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। हमें और भी बड़े इंस्टीट्यूशन को शामिल करना होगा, जैसे कि देवी मंदिर। अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इससे जुड़ गया तो ये सिस्टम जल्दी सभी तक पहुंच जाएगा और सभी इसे सीख पाएंगे। सौम्या मैम, पापा बहुत इनक्रेडिबल है,
बस उन्हें ये चीजें आती हैं और किसी को भी नहीं। रिया ने अगली डकलिंग को गोदी में संभालते हुए कहा। वो अपने पापा के लिए बहुत प्राउड फील कर रही थी। प्रेम, क्या मैं तुम्हारे नए सिस्टम के बारे में जान सकती हूँ? सौम्या ने पूछा। अगर तुम इसे पब्लिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे दादा कालचुरी राज्य में एक एजुकेशनल ऑफिसर है। मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो अरिथमेटिक का नॉलेज फैलाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। हमारा न्यूमरल सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ज्यादा लोगों में इसको सीखने के लिए पेशेंस नहीं होता और बहुत कम लोग इसको मास्टर कर पाते हैं। ककाओ स्कूल में बस आधे बच्चे प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हुए अरिथमेटिक टेस्ट में पास हो पाते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम इजी और यूनिवर्सल है तो मैं श्योर हूं कि मेरे दादा तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुश होंगे। तुम्हारा नाम अरिथमेटिक की हिस्ट्री में अमर हो जाएगा। हिस्ट्री में नाम लिखा जाना वाकई बहुत अच्छी और खुशी की बात थी, लेकिन प्रेम फिलहाल इतना भी स्पेशल नहीं होना चाहता था। महेंद्र प्रताप का नाम पहले से ही करूर के बहुत सारे लोगों के रास्ते का कांटा बना हुआ था। अगर ये नाम दोबारा सामने आ गया तो बहुत सारे लोग अपनी नींद से उठ जाएंगे, जो कि प्रेम के लिए एक बुरी खबर हो सकती थी। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ही महेंद्र भागकर इस गांव में रह रहा था, और अब यूं ही सारे किए कराए पर पानी नहीं फेरा जा सकता था। प्रेम ने जब सुना कि सौम्या के दादाजी एक एजुकेशनल ऑफिसर है तो उसे थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसे लगता था कि सौम्या बस एक नॉर्मल सी फैमिली की लड़की है। महेंद्र प्रताप के कॉन्टैक्ट के ज्यादातर लोग मिलिट्री वाले ही हुआ करते थे, इसलिए उसे बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। महेंद्र प्रताप की यादों में झांकने पर पहले तो प्रेम को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर उसने थोड़ा दिमाग और लगाया तो उसे याद आया, रॉयल बैंक्वेट में इसी सरनेम का एक आदमी था। हमने एक बार साथ में ड्रिंक भी ली थी। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक पी सकता था। शायद वो और सौम्या रिलेटेड है। हाँ, क्यों नहीं, प्रेम ने स्माइल करते हुए सौम्या से कहा। मैं तुम्हें न्यूमरल सिस्टम बता सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपने नाम की जगह मारिया नाम यूज कर सकता हूं? ये प्रेम के रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजिंग करने का सबसे अच्छा मौका था। अगर लोग नए न्यूमरल सिस्टम और 9 की टेबल का नाम प्रेम के रेस्टोरेंट के नाम पर रख देते हैं तो यहाँ के बच्चे मारिया टेबल के बारे में पढ़कर न जाने क्या सोचेंगे। शायद वो इस नाम का ओरिजिन जानना चाहे और फिर अपने पेरेंट्स के साथ प्रेम के रेस्टोरेंट में आए। अगर ऐसा होता है तो प्रेम का रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हो जाएगा, सौम्या ने कहा और सोचने लगी। इस सब के बारे में अभी से इतना सोचना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। पहले मैं इस सिस्टम को देखना चाहूंगी।